स्टॉप अभी तो स्टार्ट करेंगे ना। स्कैन करना होगा ना शेयर के लिए फिर इन लोगों को। ठीक है आगे आके बैठ जाओ यार, इस तरफ आकर के बैठ जाओ। आप बैठे रहिए। नहीं नहीं ठीक है, दिख रहा है उधर सही से। ठीक है चलो, कौन सा टॉपिक चल रहा था? विजयनगर एम्पायर हमारा स्टार्ट हो चुका था। ठीक है विजयनगर एम्पायर हमने स्टार्ट किया था, क्या था उसमें लास्ट टॉपिक? जो भी छूट रहा होगा आप कर लीजिएगा। ठीक है जो भी छूट रहा होगा उसे कर लीजिएगा। अच्छा एक और बात, करेंट अफेयर्स ऑन रेगुलर बेसिस आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। इस बार देखें ना करेंट अफेयर्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो अभी जो आपको करेंट अफेयर्स में पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा एशियन गेम्स। क्या पढ़ना होगा? एशियन गेम्स। ये सेकेंड वीक चल रहा है ना, अक्टूबर का सेकेंड वीक है। इस सेकेंड वीक में आपको 19th एशियन गेम पूरा कंप्लीट करना होगा। पिछले बैचेस की तरह हम लोग इस बार भी क्या करेंगे कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको वीकली बेसिस पे बताता रहूँगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको उस वीक कवर करने हैं। तो करंट में हमें क्या पढ़ना है इस बार? एशियन गेम्स। अब एशियन गेम्स में क्या पढ़ना है, देखो पूरा टैली नहीं याद करना है कि कौन कितना जीता है कौन, ये सारी चीज़ें नहीं याद करनी है। हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि जो फर्स्ट प्लेस पे कौन है और इंडिया का क्या पोजीशन रहा है, फर्स्ट पे कौन है और इंडिया का क्या पोजीशन रहा है। इसके साथ साथ क्या कोई ऐसा गेम है जिसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा अचीव किया है, क्या कोई ऐसा गेम है जिसमें इंडिया ने, जैसे कि अगर बात करें जैवलिन थ्रो की, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड पोजीशन दोनों ही इंडिया ने जीता है। ठीक है इसी के साथ साथ ऐसा हुआ है कि इंडियन मेंस टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, हॉकी की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। और हॉकी जैसे ही एशियन गेम में जिसने भी हॉकी के फाइनल को जीता वो डायरेक्ट क्वालिफाई होता है ओलंपिक्स के लिए। इसके लिए कहाँ होने वाला है अगला ओलंपिक? 2024 का ओलंपिक कहाँ होने वाला है? पेरिस में। कहाँ होने वाला है? यानी कि इंडियन मेंस हॉकी टीम हैज डायरेक्टली क्वालिफाइड फॉर द, किसके लिए? फ्रांस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024। क्लियर है? इसके साथ साथ पहली बार एशियन गेम्स में क्रिकेट को भी लाया गया था और मेंस और वुमेन दोनों ही टीम ने मेडल को अच्छे तरीके से जीता है। मेंस टीम ने गोल्ड मेडल हम लोगों ने जीता है। यानी 19th एशियन गेम का टॉपिक आपका इस वीक खत्म हो जाना चाहिए। कबड्डी में भी हमने ईरान को हराया है ना, कबड्डी में हमने ईरान को हराया, ईरान जो एक बहुत अच्छी टीम रही है। तो आपको ये सारे टॉपिक 19th एशियन गेम के टॉपिक को आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके साथ साथ अभी रिसेंट में हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो फैक्ट होगा वो तो आप नवंबर वगैरह में पढ़ना, लेकिन उसके साथ साथ कि कहाँ कहाँ मैचेस हो रहे हैं, क्या कोई नया स्टेडियम ऐसा है जो इनॉग्रेट हुआ है, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा देख लेना। तो आपको इस वीक कौन सा टॉपिक अच्छे से कवर करना है? 19th एशियन गेम्स हुआ कहाँ पे? ग्वांगझोउ चाइना में। ठीक है इससे पहले एशियन, देखो तीन चार ऐसे ओलंपिक से रिलेटेड है, एक तो आपने ओलंपिक पढ़ना है, इसके साथ आपको कॉमनवेल्थ गेम्स पढ़ना है और फिर एशियन गेम्स पढ़ना है। तो ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको सही तरीके से पढ़ना होगा। इस वीक का आपका होमवर्क है 19th एशियन गेम को आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। क्लियर है यहाँ तक की बात? समझ में आ गया ना सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। विजयनगर किंगडम, टॉपिक विजयनगर किंगडम। लास्ट का क्या टॉपिक था थोड़ा सा ऐसा बता देना, एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं विजयनगर किंगडम। विजयनगर किंगडम की हम बात करेंगे तो ये फैला हुआ है ऑन द कौन से कोस्ट ऑफ इंडिया? ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो हमें लोकेशन पता करना होगा कि कहाँ पे, ऐसा फिगर बना लो अगर बनाना चाहो तो,
कि विजयनगर किंगडम वॉज स्टैब्लिश्ड या विजयनगर किंगडम इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, और प्रेजेंट टाइम में कौन सा रीजन आ रहा है इसमें, कर्नाटका एंड केरला, लिखते चलेंगे, लिखने और समझ में आ रहा है नीरज, ठीक है। हमने ये देखा था कि द विजयनगर किंगडम वॉज फाउंडेड बाय किसके द्वारा, हरिहरा एंड बुक्का। देखो इंपॉर्टेंटली हमें चार किंगडम पढ़ने हैं, ठीक है। विजयनगर किंगडम में हमें चार इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ संगमा डायनेस्टी, टॉपिक डालना, अब देखो ये संगमा लिखा है तो कहीं कहीं संगम डायनेस्टी भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना क्योंकि इंग्लिश है तो हमने बाद में ए लगा दिया, संगमा डायनेस्टी 1336 से 1485। अब हम बात करें संगमा डायनेस्टी की, तो विजयनगर किंगडम बनाया ही किन्होंने था, संगमा डायनेस्टी के लोगों ने, और इनमें से जो दो को हमने पढ़ा वो था हरिहर और बुक्का। तो अभी हम लोग उनको डिटेल वाइज थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, इससे पहले जब हम लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री की क्लासेस की थी तो हमने बताया था कि हम लोग चार फेज में पढ़ते हैं मेडिवल हिस्ट्री। बताइए नहीं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक एक करके बताओ। मेडिवल हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या चीज ध्यान देना होगा कि वो फाउंडर कौन है, जैसे चोला में हमने पढ़ा था ना विजयालय, इसके साथ साथ ही उस पर्टिकुलर डायनेस्टी के, नहीं पहले इंपॉर्टेंट किंग्स, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। अब बहुत ज्यादा बहुत ऐसे हैं जिसमें इंस्क्रिप्शन नहीं है तो उसमें हम पढ़ते हैं उनके फिर टेंपल्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सोसाइटी के बारे में और रिलीजन के बारे में। यानी जब भी आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, कहाँ थे इतने दिनों से, एग्जाम चल रहा था, लाइट आ रहा है पीछे, नहीं आ रहा है तो इधर आके बैठ जाओ, दिख रहा है पीछे लिखने लायक, ठीक है। तो हम इन सारे चीजों को डील इसमें करते हैं। सबसे पहला टॉपिक डालेंगे हरिहरा, यही हरिहर भी इसी का नाम है, ठीक है, लिखेंगे हरिहर अलोंग विथ बुक्का वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाउंडेशन ऑफ हरिहर अलोंग विथ बुक्का वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाउंडेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर, ही इज ऑल्सो नोन बाय द नेम वीरा हरिहरा, और किस नाम से जाना जाता था इसे। एक और चीज समझना है, मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग ये देख पा रहे हैं वीरा हरिहरा, मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि राजा को बहुत अलग अलग तरह के नाम दिए जाते हैं। अगर हम एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, जैसे अशोका ने अपने आप को कहा देवानाम प्रियदर्शिका, है ना, उसी तरह हमने देखा चोल किंगडम में गंगाई कोंड चोलापुरम के नाम से लोग जाने जा रहे हैं, तो हम ये देख पा रहे हैं कि अलग से टाइटल भी मिलता था। अच्छा, ये बात तो आप चाहोगे तो आपको मुगल एम्पायर में भी देखने को मिलेगा, अकबर का नाम अकबर नहीं था, ठीक है, वो उसको टाइटल दिया गया था, अकबर का ओरिजिनल नाम नहीं था, उसे टाइटल दिया गया था। अकबर का मतलब अरबी में होता है महान, जो बहुत ज्यादा महान और पूजनीय हो, ठीक है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि वीर हरिहरा को जो एक और नाम दिया गया था, टाइटल आप कह सकते हो, वो है उसका वीरा हरिहरा। लिखो पीछे क्या कर रहे हो, इज नोन एज वीरा हरिहरा, ठीक है, लिख रही है अनीता। नेक्स्ट बुक्का, हरिहरा के बाद नेक्स्ट है बुक्का। इतना लेट क्यों आता हो संदीप, चलो लिखो। After Harihara, Bukka ruled Vijayanagar for approximately 20 years. After Harihara, Bukka ruled Vijayanagar for 20 years.
फॉर 20 ईयर, 20 सालों के लिए। आगे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखना, ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ मदुरई। होमवर्क था क्या कुछ पिछले क्लास का? होमवर्क था कुछ? नहीं, ठीक है। ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ मदुरई एंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर। मदुरई चोल किंगडम में पढ़ रहे थे, मदुरई के बारे में बताओ केशव कहां है मदुरई? तमिलनाडु, हाँ चेन्नई, ठीक है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि बुक्का ने कौन से रीजन को एक्सप्लोर करना शुरू किया, यानी बुक्का अब इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट को भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट हुआ है ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, लेकिन बुक्का अब कहां अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया? ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, और उसमें भी कौन से जगह को? नहीं, मदुरई, जो एंशिएंट नाम है वो याद करेंगे। मदुरई को कॉन्कर किया और यहां से उसने अपने किंगडम को फैलाया रामेश्वरम तक। कहां तक? ठीक है, कॉन्कर्ड, डिफीटेड द सुल्तान ऑफ मदुरई एंड कॉन्कर्ड द पार्ट ऑफ रामेश्वरम, यानी कि द सदर्न पार्ट ऑफ, द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। लिख रहे हो लास्ट बेंच, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, रामेश्वरम हो गया। आगे लिखना, हो गया, लिखना। हरिहरा एंड बुक्का, हरिहरा एंड बुक्का मेड देयर कैपिटल एट विजयनगर। मेड देयर कैपिटल एट विजयनगर। दो किंग के बारे में हो गया, एक और किंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अगले डायनेस्टी में जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात, हमने कितने टॉपिक कवर कर लिए मेडिवल में अभी? दो। इससे पहले हमने चोल एम्पायर खत्म किया और अब विजयनगर पढ़ रहे हैं। तो क्या इसके बाद हमें मेडिवल ही चलना है या मॉडर्न का कुछ टॉपिक स्टार्ट करना था? मैं ये सोच रहा था कि हम लोग हिस्ट्री के दो पर्टिकुलर सेगमेंट को साथ पैरेलली लेके चलेंगे, मॉडर्न के साथ साथ मेडिवल। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है, मतलब जो बेसिक फेज है मॉडर्न हिस्ट्री का वो नहीं पढ़े हैं? ठीक से बताओ, यानी कि 1498 एडवेंट ऑफ यूरोपियन वाले टॉपिक कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है? पढ़े हो तुम अभिषेक? अच्छा, ऐसे पढ़े हो, मतलब आप पढ़े हैं? अच्छा ठीक है, तो ठीक है, ये टॉपिक जब हमारा खत्म हो जाएगा तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, दो दो टॉपिक हम लोग मॉडर्न और मेडिवल से करते रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? होता गया है कि आप मेडिवल एक साथ पढ़ते रहो ना, तो इसमें डायनेस्टीज इतने हैं और इसमें इतना ज्यादा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये खत्म होने के बाद हम लोग फिर से मेडिवल में आएंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मौर्यन डायनेस्टीज की तरफ। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलो लिखना शुरू करो। इसमें क्या था लास्ट का पॉइंट? ठीक है, अगला लिखना, नेक्स्ट रूलर का नाम लिखना, हरिहरा राया। हरिहरा राया, ठीक है। बुक्का वॉज सक्सीडेड बाय, बुक्का वॉज सक्सीडेड बाय हरिहरा राया। हरिहरा राया हु कंटिन्यूड, हरिहरा राया हु कंटिन्यूड द सेम थ्योरी एंड पॉलिसी, हु कंटिन्यूड द थेम्स द सेम थ्योरी एंड पॉलिसी ऑफ बुक्का। क्लियर है यहां तक के बाद? ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि हरिहरा और बुक्का को कैप्चर करके दिल्ली ले गया गया था और वहाँ पे उन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन वो वापस आकर के फिर से हिंदू बन गए थे, ठीक है। एक और रूलर का इसमें नाम लिख लो, इसके बाद ये वाला हम लोग डायनेस्टी खत्म करेंगे, मतलब डायनेस्टी नहीं खत्म करेंगे, टॉपिक, ठीक है। अगला, देवराया द फर्स्ट। इनको कृष्ण देव राय से मत कन्फ्यूज करना, इनका नाम देव राय है। अच्छा, एक और बात, विजयनगर किंगडम में ऐसे तो जो हम लोग डायनेस्टी पढ़ रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग की हम बात करें तो वो हैं राजा कृष्णदेव राय, और उनके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, है ना। वो तेनाली रमन वाला सबने पढ़ा होगा, उनके कोर्ट में वो थे एक अष्ट दिग्गजम करके, जैसे थे ना नवरत्न थे मुगल वाले एम्पायर में, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं अष्ट दिग्गजम, सी डी एस
19th का क्वेश्चन था ये कि अष्ट दिग्गजम क्या है, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोग को ठीक से पढ़ना है, यानी विजयनगर किंगडम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है वो है राजा कृष्णदेव राय का, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रांग इनके टाइम में विजयनगर किंगडम अपने बिल्कुल क्लाइमेक्स पे पहुंचा था, चाहे वो आर्ट में हो, कल्चर में हो, रिलीजियस पॉलिसीज हो, इकोनॉमिक वाइज हो। तो हम ये देख पा रहे हैं कि कृष्णदेव राय जो हैं वो विजयनगर एम्पायर के सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग किंग हैं, तो उनका हमें ज़्यादा फोकस करना है। ये सब भी पढ़ेंगे लेकिन उन पे हमारा फोकस कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा, क्लियर है। क्या था टॉपिक हमारा, ठीक है, ही वॉज सक्सेस, ये लिखना इनके बारे में। द टाइम पीरियड was mostly invested in battle against the Sultan of Bahamani। पता करना है कहाँ है बहामनी, सुल्तान ऑफ बहामनी। हो गया, जो लोग नहीं आए थे, होमवर्क इस बार का है एशियन गेम्स करंट अफेयर्स की, फिर से पिछले बार की तरह ही एक और सेपरेट कॉपी बनानी है, उसमें सारा टॉपिक करना है, ठीक है। तो इस बार का टॉपिक हमारा है एशियन गेम्स। इस वीक के एंड में और दो तीन टॉपिक भी दूंगा, लेकिन ये टॉपिक जल्द से जल्द खत्म करना होगा एशियन गेम्स का, ठीक है। और कोई अवार्ड वगैरह तो अभी ऐसा नहीं आ रहा है, नहीं, ठीक है, एशियन गेम करना है। लिखो आगे, He also controlled the areas of Telanganas। तेलंगाना की बात हो रही है, यानी फिर से बात कौन से कोस्ट की हो रही है, ईस्टर्न कोस्ट की। कंट्रोल द एरिया ऑफ तेलंगाना एंड वॉज वन ऑफ द फर्म रूलर्स, फर्म मतलब मजबूत, एंड वॉज वन ऑफ द फर्म रूलर ऑफ, कौन से डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, विजयनगर संगमा। ठीक है, अच्छा देखो, विजयनगर एम्पायर टोटली एक हिंदू एम्पायर है। हम लोग ये देख पा रहे हैं, चोल किंगडम में भी हमने पढ़ा था, चोल एम्पायर में, कि दो इंपॉर्टेंट भगवान पूजे जा रहे हैं। कौन कौन से दो भगवान को पूजे, अगर रिलीजन वाइज देखेंगे तो शिवा और विष्णु। कहीं कहीं आपको एक भगवान का नाम दिखेगा, उन भगवान का नाम है श्री वीरूपक्षा। क्या नाम है, अब जब मैं भी पढ़ रहा था तो मुझे लगा ये शायद कोई होंगे साउथ इंडिया के ऐसे भगवान, लेकिन ये शिव के ही एक दूसरे रूप है जिनको प्रोमिनेंटली साउथ इंडिया में पूजा जाता है। क्या नाम है इनका, वीरूपक्षा। विष्णु को हम जिस तरह यहाँ पूजते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम दशावतार को ज़्यादा, हमारे यहाँ ज़्यादा दशावतार की पूजा नहीं होती, हम लोग विष्णु को, जो लोग, एक तो विष्णु को हम लोग तो सत्यनारायण भगवान की कथा जब हमारे यहाँ होता है तो हम लोग कहते हैं हाँ उसमें, लेकिन नॉर्थ इंडिया में मेनली फोकस रहता है महादेव पे। अब इसका एक ज्योग्राफिकल रीज़न ये भी है, क्योंकि हम लोग बिहार झारखंड बगल में है और एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग है हमारे बगल में, तो हम ज़्यादातर जो ये इस तरह की उत्तर प्रदेश बिहार वाला जो रीजन है वो मेनली फोकस्ड है ऑन द वर्शिप ऑफ शिवा। लेकिन साउथ इंडिया में अगर दो भगवान की बात करें तो शिवा और विष्णु, और इसमें भी वेंकटेश्वरा और वराह अवतार। आप लोगों ने कांतारा मूवी के बारे में सुना है, एक आई थी अभी मूवी पिछले साल, बहुत बड़ी हिट हुई थी कांतारा, उसमें एक भगवान की पूजा होती है। उसमें भगवान की पूजा ऐसे होती है कि पर्टिकुलरली पूजा नहीं होती है, एक रहता है इंसान, उसके अंदर भगवान आ जाते हैं विष्णु के अवतार, वराह अवतार। वराह अवतार शब्द सुना होगा, ठीक है, वराह अवतार जिन्होंने पानी समुद्र के अंदर से पृथ्वी को निकाला है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वेंकटेश्वरा और वराह, ये दो ऐसे अवतार हैं विष्णु के जिनको साउथ इंडिया में पूजा गया है। अगर आपको और एविडेंस इसमें चाहिए तो कॉइन्स पे, किस पे,
वराह के भी फोटो बने हुए हैं और बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जिसपे भगवान वीरूपक्ष के भी नाम भी लिखे गए हैं और उनका फिगर भी बनाया गया है, यानी दो भगवान पूजे गए। एक और बात यहाँ पे, जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि मौर्यन एम्पायर में बहुत सारे ऐसे रूलर्स हैं जो जैनिज्म कर रहे हैं, उनके आने वाली पीढ़ी बुद्धिज्म को अपना रही है, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके फोर फादर्स शिवा को पूजे हैं और आने वाली जनरेशन या वाइस वर्सा। क्लियर है यहाँ तक की बात? यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि दो भगवान पे मेनली फोकस। फिर इसी में और आगे चल करके भगवान को ये लोग और डिवाइड करते हैं, डिवाइड मतलब भगवान को और ज्यादा इसमें क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं, अयप्पा, इसके साथ साथ मुरुगन। मुरुगन कुछ नहीं, हमारे यहाँ जो कार्तिक भगवान है ना, उन्हीं को मुरुगन कहा गया है साउथ इंडिया में। तो ये वो भगवान है जिनको प्रोमिनेंटली पूजा गया है कहाँ पे, साउथ इंडिया में, और इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स इन्हीं के लिए डेडिकेटेड होते थे और इनकी जो इम्पॉर्टेंट मूर्तियां होती थी वो उस टेम्पल के कौन से पार्ट में रहती थी, गर्भगृह में। क्लियर रहे हैं यहाँ तक की बात? रिलीजियस पॉलिसीज में हम लोग आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये मैंने बता दिया, जब आप पढ़ोगे विजयनगर किंगडम रिलीजन की बात आएगी तो ये बात याद रखना कि शिवा एंड विष्णु वर टू ऑफ द मेजर गॉड हु वर वर्शिप ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उनके अलग अलग दशावतारों को भी पूजा गया था। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। क्या था टॉपिक हमारा, ये हो गया। अगला लिखना द सालुवा डायनेस्टी, लिख दूं क्या? ये येलो से नहीं लिखूंगा, ऑस्ट्रेलिया का कलर है। कल तो जीता इंडिया बढ़िया से, हाँ लगा तो नहीं था कि जीतेगा, है ना। फर्स्ट इनिंग के बाद काम वाम करके लौटा, मैंने देखा फुटबॉल शुरू हो गया, दो गोल तीन गोल ऐसा होता है, लेकिन ऐसा दो ओवर में तीन विकेट, ठीक है। मिट्टी वैसी है चेन्नई की यार, बॉल ग्रिप करेगा। अच्छा एक और बात थोड़ा सा देखो, अगर मैच देखा होगा तुम लोगों ने तो देखा होगा स्टैंड बने हुए हैं, है ना, इस तरह का तीन स्टैंड हर तरफ बना हुआ है और बहुत ज्यादा गैप है तीनों स्टैंड के बीच में। पहले जब मैच होता था चेन्नई में 2011 के वर्ल्ड कप की बात बता रहा हूं, तो बॉल बस स्पिन होता था, बॉल क्या होता था, अब बॉल अगर आपको स्विंग करानी है तो आपको थोड़ा हवा चाहिए, और अभी जो नया कंस्ट्रक्शन हुआ है शाम के वक्त में बॉल स्विंग होनी शुरू हो जाती है ब्रीजेस के लिए, जब ब्रीजेस, क्योंकि बिल्कुल ही बगल में कौन सा बीच है वहां पे, मरीना बीच, सुना होगा सबने, कल कह भी रहा था मरीना बीच से हवाएं उधर चल रही हैं, जैसे ही हवाएं वहां से चलना शुरू होती है बगल में स्टेडियम है, एकदम दरख्त से हवा आता है उधर से और बिल्कुल बॉल में बायलैटरल मूवमेंट शुरू हो जाता है, और जहां बॉल का हिलना डुलना शुरू, वहां रोहित कहता है मेरा का क्या, हम 50 ओवर फील्डिंग किए अब जाकर के आराम से सोएंगे, है ना। लेकिन उस वक्त फिर बेचारा कोहली आता है हर बार की तरह, और केएल राहुल भी, अब से केएल राहुल पे कोई मीम नहीं बनाएगा, ठीक है ना, ना उस पे, ना सुनील शेट्टी पे, ना आतिया शेट्टी पे, पूरे परिवार को बख्श दो, बहुत अच्छा खेला है वो कल, ठीक है। हाँ लेकिन ये भी बात है, अगर 200 रन से ज़्यादा हो जाता तो कल हम लोग के यहाँ टीवी फूटता, है ना, नहीं हम लोग टीवी वगैरह नहीं फूटते हैं यार, टीवी फूटेगा अभी आने वाले 14 तारीख को, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि ज्योग्राफी भी एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है किसी भी स्पोर्ट्स में। इससे मुझे याद आया, एक जगह है पेरू, ठीक है, कहाँ पे है पेरू, पिछले बार पढ़ रहे थे, साउथ अमेरिकन नेशन है पेरू, वहाँ पे एक स्टेडियम मौजूद है जो दुनिया के हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे है, और वहाँ ऐसा होता है कि जो लोग नहीं फेमिलियर हैं उस स्टेडियम से, वहाँ जाते के साथ उनको हाइपर कंकशन होने लगता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उन लोगों को, और वहाँ जो भी मैच होता है तो कभी मेसी वहाँ पे खेलना नहीं चाहता है क्योंकि उसे थोड़ा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। और पेरू क्या करता है, जैसे हमारे यहाँ एशिया कप होता है ना, तो उसी तरह वहाँ पे होता है साउथ, अभी कोपा अमेरिका कप होता है, देखा होगा पिछले बार, अभी कोपा अमेरिका कप जीता है अर्जेंटीना ने, तो पेरू क्या करता है अपने इंपॉर्टेंट मैच जिस टीम से उसको खेलना होता है, इंपॉर्टेंट टीम की बात करें तो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये सारी टीम को कहता है आप मेरे यहाँ खेलो। एक तो 90 मिनट कंटिन्यू दौड़ना होता है, क्रिकेट की तरह थोड़ी है कि एम्पायर भी एकदम जमा हुआ है 6 का 6, एम्पायर को भी दौड़ना होता है, रेफरी को, लाइन्समैन को, सबको दौड़ना होता है। तो वहाँ जो भी मैच खेलता है उसको कम से कम 6 महीने पहले फीफा को अपना मेडिकल टेस्ट देना होता है, तो वही वो वहाँ पे खेल पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसे ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी स्पोर्ट्स में, आउटडोर स्पोर्ट्स में, चेस वगैरह में नहीं, चेस में क्या ही करेगा यार ज्योग्राफी, भूकंप आ जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, ठीक है, तो चेस वगैरह नहीं, लेकिन फील्ड हॉकी या हॉकी में भी नहीं कहोगे, हॉकी में तो वैसा नहीं कह सकते हो, टर्फ रहता है। हॉकी में इस बार इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है, बहुत अच्छा है इस बार इंडिया ने खेला है। आने वाले टाइम में हम लोग पेरिस ओलंपिक में कम से कम, पिछले बार हमने ब्रोंज जीता था, कहाँ हुआ था पिछले बार का ओलंपिक,
टोक्यो में हमने ब्रॉन्ज जीता था, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में मेडल का जो कलर है वो सिल्वर या गोल्ड तो होगा ही, ऐसे तो गोल्ड ही हो, है ना। लेकिन उसमें ज्यादा अच्छी अच्छी टीम है, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, और ऑस्ट्रेलिया का तो ऐसा है कि पता नहीं उन लोगों के पास ऐसा कौन सा इंजेक्शन है कि वर्ल्ड कप से पहले हर एक गेम में अच्छा खेलने लगते हैं, ठीक है। कल भी ऐसा लगा कि मिचेल स्टार्क कर देगा, लेकिन चलो टॉपिक डालेंगे साल्वा डेनिस। लिख दूं क्या? साल्वा हो गया यार, ये पीछे थोड़ा दरख्त खोल दो हल्का सा। नहीं नहीं क्या बंद है क्या? अब स्टॉपर है क्या? ठीक है रहने दो, लिखो। द साल्वा डायनेस्टी वॉज सेकेंड डायनेस्टी, द साल्वा डायनेस्टी वॉज द सेकेंड डायनेस्टी, कौन से डायनेस्टी के बाद? संगमा, आफ्टर द संगमा डायनेस्टी, ठीक है। पहले राजा का नाम लिखेंगे, साल्वा नरसिम्हा देवराया, ये लिख देना, नरसिम्हा देव राय, सालुवा नरसिम्हदेव राय। अच्छा देखो, विजयनगर किंगडम में ज्यादातर जो डायनेस्टी टूटी है ना, वो टूटी है आंतरिक कलह से, और इनको तोड़ने का काम किया है वहां पर के महामंत्रियों ने, यानी कि जो महामंत्री जो आपको एडवाइस दें वही आपको खराब एडवाइस देना शुरू कर दें, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो ये भी तो अपना किंगडम का एक्सपेंशन, अच्छा विजयनगर किंगडम में पढ़ना है तो हमें याद रखना है कि इस सेक्शन में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो ज़्यादातर जो किंगडम टूटे हैं वो टूटे हैं आंतरिक कलह से, यानी सिविल वॉर हम जिसे कहते हैं, अंतर युद्ध हो जाना, है ना। और यहाँ पे साल्वा डायनेस्टी उसका एक प्राइम एग्जाम्पल है, लिखना शुरू करेंगे इसमें। नरसिम्हदेवराया, अच्छा देखो नरसिम्ह है नाम में, यानी फिर से बात हो रही है विष्णु के दशावतार की, नरसिंह है ना दशावतार में से, तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि दशावतार में तो हम नहीं कहेंगे नरसिम्ह को क्योंकि उस तरह से नहीं, लेकिन हाँ नरसिम्ह को भी यहां पे हम लोग विष्णु के अवतार मान रहे हैं, तो यहां पे नरसिम्ह की बात हो रही है, यानी वैष्णवाइट की बात हो रही है, वैश्य और शिवाइट, ये दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है साउथ इंडिया में, लिखेंगे आगे। नरसिम्हदेव राय वर्क्ड ऑन द पॉलिसीज टू कॉन्कर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका, कौन से पार्ट को ये कॉन्कर करना चाहता था? वेस्टर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक भी लिखोगे तो चलेगा, स्पेशली द पोर्शन ऑफ मैंगलोर, भटकल, BHATKL, भटकल, मैंगलोर, भटकल एंड होनावरा, HONAVARA, होनावरा, ठीक है, लिखेंगे आगे। He lost a major battle with Gajapati Kapilendra. अच्छा ये टाइटल देख रहे हो, गजपति उन उसको टाइटल दिया जाता था जिसने वॉर में गज, कौन से जानवर का नाम है? हाथी, जिसने हाथी को मारा हो उसको कहा जाता था कि गजपति है वो, यानी उसने हाथी को डिफीट किया हो। या हिस्टोरिकल एविडेंस हमें कहीं कहीं ये देखने को मिलता है कि जिसने हाथी को कंट्रोल करके हाथी के ऊपर चढ़ा और उसे राइड किया। गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है किसी ने? उसमें ड्रैगन्स बहुत ज्यादा उड़ते रहता है, तो उसमें कहता है कि टारगेरियन उसका एक किंगडम है, उसमें डायनेस्टी है कि टारगेरियन वो है जिसने ड्रैगन को कंट्रोल किया। तो गजपति हम देख पा रहे हैं कि वो है जिसने या तो वॉर में जीता हो, वो हाथी को मारा हो, या फिर उसको कंट्रोल किया हो। और ज्यादातर गजपति का टाइटल मेरा है उड़ीसा के एंशंट किंग को, यानी कि कलिंग वाले रीजन में, ठीक है, यानी जहां आपको गजपति। अब ऐसा नहीं है, देखो अब ऐसा नहीं है कि सबने मारा होगा,
टाइटल पास ऑन होते गया। जैसे एक मराठी में टाइटल है वाघ मारे, अगर आप लोगों ने क्राइम पेट्रोल वगैरह देखा होगा तो उसमें ज्यादातर जो पुलिस वगैरह होता है मोरे शिंदे वाघ मारे, तो वाघ मारे भी वो टाइटल है जिसने शेर को मारा हो, ठीक है। तो अब किसी एक ने शेर को मार दिया, अब वो सारे लोग बताते रहते हैं कि हमारे थे पूर्वज उन्होंने मारा, तो सबको टाइटल यूज करते थे। लेकिन ये गजपति जो टाइटल है ये आपको याद रखना होगा कि ये टाइटल मिला था मेनली उड़ीसा के रूलर्स को, किसी एक ने मारा होगा और फिर सबको यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो कौन ये बैटल किससे हारा है, गजपति कपिलेंद्र से, आगे लिखेंगे, ठीक है। इस रूलर के बाद नेक्स्ट रूलर का नाम लिखना, थिम्मा भूपला, लिख दे रहा हूं थिम्मा भूपला। ज्यादा मगअप नहीं करना है इन सबको, ज्यादा एकदम एनर्जी इन सब में नहीं इन्वेस्ट करना है, एक एक बार पढ़ पढ़ के निकलते जाना, इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो मैं मार्क कराता जाऊंगा। लिखो इसमें, नरसिम्हदेव राय वॉज सक्सीडेड बाय हिसन भूपला, ठीक है। लेकिन ये एक वॉर में मारा गया है ना, और इंटरनल पॉलिटिक्स जो था बहुत ज्यादा गंदा हो गया था इस टाइम पे, यानी कि इस एम्पायर में सलवा डायनेस्टी में जो इंटरनल जो मिनिस्टर्स थे ना, वही एक दूसरे में आपस में लड़ा करके मेन राजाओं को मार देते थे, तो ज्यादा दिन तक इसका भी रूल नहीं चला। लिखेंगे, ही वॉज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड इन द इंटरनल पॉलिटिक्स of ministers, ठीक है। he was replaced by his younger brother Narasimha Raya the second, yeah Narasimha Raya second, ठीक है। इसे सालुवा डायनेस्टी का पपेट किंग भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, समझ में आ रहा है, मतलब क्या है पपेट किंग, खुद का कुछ दिमाग नहीं लगाना, इसको आर्मी कमांडर जो कहता था वो ये कहता था, वन ऑफ द वीकेस्ट रूलर था ये। लिखेंगे, इंस्पाइट बीइंग क्राउंड एज अ किंग, इंस्पाइट बीइंग क्राउंड एज अ किंग, क्राउंड एज अ किंग का मतलब कि राजा की उपाधि मिलना, इंस्पाइट बीइंग crowned as a king, he was one of the weakest ruler of Salwa dynasty, ठीक है, बस ज्यादा नहीं। अब उस डायनेस्टी पे हम लोग ध्यान देंगे जो विजयनगर किंगडम को अपने क्लाइमेक्स पे लेके गई थी। लिखेंगे, कितने डायनेस्टी हो गए, नेक्स्ट लिखो, तुलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी, लिख रहे हो केशव, लिखना शुरू करो। दिस डायनेस्टी वॉज थर्ड And one of the strongest to rule the Vijayanagar kingdom. ठीक है, विजयनगर reached its climax during Tuluva dynasty. ठीक है, the most important and strongest king
द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट किंग ऑफ नॉट ओनली दिस एम्पायर, ऑफ नॉट ओनली दिस एम्पायर बट ऑल्सो ऑफ नॉट ओनली दिस एम्पायर बट ऑल्सो द होल विजयनगर एम्पायर, द होल विजयनगर एम्पायर वॉज राजा कृष्ण देव राय, वॉज राजा कृष्ण देव राय, यानी कृष्ण देव राय ना सिर्फ तुलवा बल्कि पूरे के पूरे विजयनगर एम्पायर के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इंपॉर्टेंट रूलर्स में से एक हैं। क्लियर है यहां तक की बात? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं। लिखेंगे दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय तुलवा नारसा नायका, तुलवा नारसा नायका, ठीक है। अच्छा, ये जो तुलवा ये नारसा नायका है, ये किसी जमाने में आर्मी का कमांडर हुआ करता था इससे पहले वाले डायनेस्टी में। कौन से डायनेस्टी थी इससे पहले? सुलवा डायनेस्टी। यानी सुलवा डायनेस्टी में एक आर्मी कमांडर था। देखो, आर्मी कमांडर ही वहां पे तोड़ करके अपना एक नया एम्पायर बना लिया। यानी हम ये देख पा रहे हैं कि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से सुलवा डायनेस्टी खत्म हुआ और अलग अलग लोगों ने मिलकर के अपनी अलग अलग डायनेस्टीज बनाई, जिसमें से इंपॉर्टेंट तुलवा डायनेस्टी है। और तुलवा डायनेस्टी के फाउंडर तुलवा नारसा नायका वॉज वंस द चीफ कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ सुलवा डायनेस्टी। लिख लेंगे, ही वॉज द चीफ कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ तुलवा डायनेस्टी, ठीक है। नारसा नायका वॉज स्ट्रॉन्ग लीडर हु डिफीटेड। अच्छा, एक काम करना, इसमें 1505 से लेके 1570 कर लेना। यानी तुलवा डायनेस्टी में क्या कुछ, अच्छा इस पीरियड में क्या कुछ हुआ होगा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ भी ऐसा जो इंडियन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो? हाँ, तुलवा डायनेस्टी के शुरू होने से पहले ही इंडिया में कौन आ गए थे 1498 वाले पीरियड में, और 1507 में ये शुरू हो रहा है। यानी कि विजयनगर किंगडम जब अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचा था तो इंडिया में यूरोपियन पावर्स का आना शुरू हो गया था। कृष्णदेव राय की अच्छी दोस्ती थी, सुल्तान ऑफ बीजापुर को हराया था, हमने पढ़ा था, है ना, सुल्तान ऑफ बीजापुर को हराया था उन लोगों ने, पोर्तुगीज ने, तो उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी विजयनगर किंगडम के लोगों से। और विजयनगर किंगडम में लोग आते थे और यहाँ पे कृष्णदेव राय पोर्तुगीज का बहुत ज़्यादा सम्मान वगैरह करते थे, है ना। हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे मसाले वगैरह, केसर और जो भी साउथ इंडिया में होता था वो सब देते थे, और वहाँ से कृष्णदेव राय को मिलता था अरेबियन हॉर्सेस। सबसे अच्छे नस्ल के जो हॉर्स होते हैं, सबसे अच्छे नस्ल के घोड़े हमें मिलते हैं सऊदी अरेबिया वाले रीजन में, इराक, सीरिया। अफगानी हॉर्सेस भी अच्छे होते हैं, इराक, सीरिया, टर्की, ये वाला जो हमारा मिडल ईस्ट का एरिया है यहाँ पे अच्छे क्वालिटी के हॉर्सेस मिलते हैं। और कृष्णदेव राय अपने आर्मी में अच्छे क्वालिटी के हॉर्सेस को ब्रीड कराते थे, अच्छे क्वालिटी के हॉर्सेस को मंगवाते थे, कहाँ से? सऊदी अरेबिया से। और इनमें इनको मेन ये जो ट्रांजेक्शन होता था ये होता था पोर्तुगीज बिजनेसमैन से। यानी हम ये देख पा रहे हैं कि एज सून एज तुलवा डायनेस्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस पोर्तुगीज वर इन इंडिया। क्लियर है? लिखेंगे आगे, क्या था पॉइंट एक बताना। एंड ही डिफीटेड सुल्तान्स ऑफ बहामनी and he defeated sultans of Bahamani, also defeated Gajapatis and executed
एंड एग्जीक्यूटेड डिसलॉयल, एग्जीक्यूटेड मतलब मौत की सजा देना, एंड एग्जीक्यूटेड डिसलॉयल मिनिस्टर्स इन हिज कोर्ट, अपने कोर्ट में जो एक इनके खिलाफ या इनके खिलाफ या जो कहते हैं ना पॉलिटिक्स वगैरह करते थे उन सबको इन्होंने खत्म करवा दिया। क्लियर है यहां तक की बात? लिखेंगे नारसानायक वॉज द मेन रीजन, नारसानायका वॉज द मेन रीजन वाई तुलवा डायनेस्टी बिकेम, नारसानायका वॉज द मेन रीजन वाई तुलवा डायनेस्टी बिकेम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डायनेस्टीज ऑफ सदर्न इंडिया, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डायनेस्टीज ऑफ सदर्न इंडिया। ठीक है, आगे लिखना। नेक्स्ट, वीर नरसिम्हा राय ठीक है he became king after the death of Narsanayaka ठीक है। अच्छा, इनका जो मोस्ट टाइम बीता ना ये रेबल्स वगैरह से लड़ने में इनका टाइम चला गया, इनके टाइम में ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हो पाया क्योंकि इनके भी टाइम में इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा खराब था और इनका मेन टाइम किस में बीता, टू कंट्रोल द इंटरनल पॉलिटिक्स। लिखेंगे his major time was invested in controlling the internal politics of empire, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट किंग पे, जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लिखेंगे, टॉपिक डालना, राजा कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय के बारे में अगर बताऊं तो ये सिर्फ एक अच्छे राजा ही नहीं थे, एक अच्छे वॉरियर नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े पोएट थे, साइंस की अच्छी समझ थी। मतलब आप जो चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो एक जबरदस्त माइंड से, वो ये थे। बहुत सारे ऐसे रिलीजियस टेक्स्ट, बहुत सारे कविता कहानी और मल्टीलिंगुअल ब्लेस्ड थे, कन्नड़ के साथ साथ तमिल, उसके साथ साथ क्योंकि पोर्तुगीज से इनका संबंध था थोड़ा सा, तो ये धीरे धीरे पोर्तुगीज और लैटिन लैंग्वेज भी पढ़ना शुरू कर दिए थे। मतलब ये देखो, इतना ज़्यादा कंट्रोल करने के बाद, इतना ज़्यादा किंगडम के बाद भी इनके पास कितना टाइम था, है ना, कि ये सारा चीज़ कर रहे थे। मल्टीलिंगुअल होने के साथ साथ साउथ इंडिया की सारी लैंग्वेजेस, संस्कृत, उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा पोर्तुगीज भी ये जानना और समझना शुरू कर दिए थे। विजयनगर एम्पायर को अगर किसी ने अपने हाईएस्ट पीक पे लेकर के पहुंचाया है तो वो राजा कृष्णदेव राय हैं। इनके समय में इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा ख़राब था, इन्होंने आते के साथ सबसे पहले इन्होंने सफाई करनी शुरू की घर से, जितने भी ऐसे फालतू के लोग थे कोर्ट से निकाला, उन्हें मजबूत बेस को बनाया, और एक अच्छे बिजनेसमैन थे। अच्छे बिजनेसमैन का कहने का ये मतलब कि इन्हें पता था कि कहां से लोग अभी इंडिया आ रहे हैं, इन्होंने देख लिया था कि यूरोपियन कंट्रीज इंडिया आकर के ट्रेड करना शुरू कर दिए, तो सिवाय उनसे लड़ने से इन्होंने कहा कि हमें अपना बिजनेस को डेवलप करना होगा, और बिजनेस डेवलप करने के लिए पोर्तुगीज से अच्छे रिलेशन बनाए, और आगे चल कर बहुत अच्छा इन्होंने बिजनेस को ऑक्यूपाई किया। और इनके टाइम में रुपीस तो नहीं लिखा जाता था, मैं इकॉनमी को डिनोट कर रहा हूँ, इकॉनमी अपने हाईएस्ट पीक पे पहुंच गया। क्या केशव, क्या मुस्कुरा रहे हो, बताओ हम लोग को भी थोड़ा सा जोक बताओ। नहीं नहीं, बताओ बताओ, अब तो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, बताओ क्या जोक सुना रहे थे उसको, नींद आ रही है क्या तुम लोग को, सुबह सुबह क्लास है इसलिए, कोई नहीं जाके सो जाना, अभी थोड़ी 10 घंटे की क्लास लग रही है।
चलो लिखना शुरू करो इसमें, कुछ लिखे हो नहीं अभी तक? ठीक है, टॉपिक बस अलग है, लिखेंगे। The major contribution of Krishnadev Raya was to take Vijayanagar kingdom on its peak. ठीक है, not only he was a great ruler but also a brilliant poet. ठीक है, had a very sensible knowledge about science and technology. ठीक है, he was given the title Kannada Raja Rama Ramana, पूरा नाम है। He was given the title Kannada Raja Rama Ramana. ठीक है, he was multilinguistic, had a very strong knowledge of Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada. As well as Sanskrit, has a very strong knowledge of South India ke jitne languages hai, likho Telugu, Tamil, Malayali and Kannada, as well as Sanskrit. ठीक है, किसी important में मैं point बता दूंगा तो उसको star mark कर लेना। ठीक है, लिखना। As soon as Krishnadev Rai came into the power. अच्छा, इनके समय में कंडीशन जो हालात जो था विजयनगर एम्पायर का वो एकदम बेकार था, मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स से जो एकदम हालात जो था बिल्कुल चरमराया हुआ था। ठीक है, as soon as he came into the power, first of all He had the vision. To control the internal politics. ठीक है? During his reign, he defeated the Gajapatis of कहाँ के? Odisha. He defeated the Gajapatis of Odisha. ठीक है? And Muslim kingdoms in north. He defeated Gajapatis in Odisha and Muslim kingdom in north. ठीक है, आगे लिखना। He extended the Vijayanagar kingdom in west as well as eastern part. ठीक है, पॉइंट चेंज करना, लिखना। कृष्णदेव राय डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दक्कन, दक्कन हिंदी में डेक्कन। कृष्णदेव राय डिफीटेड द सुल्तान ऑफ डेक्कन। अब डेक्कन की बात हो रही है, मतलब कौन से रीजन की बात हो रही है?
दक्कन की बात हो रही है, मतलब कौन से रीजन की बात हो रही है? बात हो रही है आंध्रा वाले रीजन की, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाले रीजन की, दक्कन, हैदराबाद प्रेजेंट डे में जो है वहां की बात हो रही है। ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दक्कन एज वेल एज कंट्रोल्ड, हाँ सुल्तान ऑफ दक्कन लिखिए, एक ऐसा करके लिखना ब्रैकेट में, इन द बैटल ऑफ दीवानी, इन द बैटल ऑफ दीवानी, दीवानी, ठीक है। ही कंट्रोल्ड द रायचूर दोआब, रायचूर दोआब, ठीक है। अच्छा ये रायचूर दोआब क्या है? बहुत ही ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए रिच एरिया है, एग्रीकल्चर के लिए रिच एरिया है, मतलब यहां पे सॉइल कैसी है? बहुत ज्यादा अच्छी है। और ये प्रेजेंट है बिटवीन द जंक्शन ऑफ टू रिवर्स, तुंगभद्रा एंड कावेरी, लिखेंगे। दिस रीजन वॉज इंपॉर्टेंट कृष्णा, दिस रीजन वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द रिच एग्रीकल्चरल सॉइल। क्या छूट रहा है अभिषेक? दिस रीजन वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द रिच एग्रीकल्चरल सॉइल बिटवीन द रिवर तुंगभद्रा एंड कृष्णा। लिख दूं क्या? ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? हम लोग कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में क्या देख रहे हैं कि पोर्तुगीज इंडिया में आ चुके हैं। इन्होंने पोर्तुगीज की मदद भी की, गोवा को जीतने में इन्होंने पोर्तुगीज की मदद की, और ये समझ चुके थे कि देखो अगर मुझे सुल्तान्स को हराना है तो मुझे यूरोपियंस की मदद चाहिए होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि यूरोपियंस के पास बहुत अच्छे क्वालिटी का क्या था? आर्मी, हॉर्सेस, यार नेवी उनकी अच्छी थी, ठीक है। क्या काम यार यहाँ पे आकर के आर्मी क्यों क्यों ही लाएंगे वो लोग? उनके पास अच्छे क्वालिटी के शिप थे, और इंडिया में अच्छी क्वालिटी के शिपमेंट को जो डेवलप करने का, आगे आप पढ़ेंगे हम लोग कि जैसे ही पोर्तुगीज इंडिया में आए और जैसे ही विजयनगर कृष्णदेव राय ने देखा कि यार आने वाले टाइम में जिसकी नेवी अच्छी होगी वही दुनिया पे राज करेगा, और इन्होंने अपने विजयनगर किंगडम में बहुत बड़ी बड़ी शिपयार्ड्स बनाना शुरू किया, यानी कि बड़े बड़े शिप वगैरह बिल्डिंग की इंडस्ट्रीज़ को डाला। इसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े बैंकर्स वगैरह इन्होंने बनाए कि यहाँ पे हम लोग अच्छा खासा शिप बनाएंगे और फिर दुनिया पे राज करेंगे। कहीं ना कहीं इंडिया में नेवल सुपरियॉरिटी हम लोग कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज बिल्कुल है, लेकिन इंस्पिरेशन अगर हम कहेंगे तो वो यूरोपियन से आया है, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे क्वालिटी का शिप था। क्योंकि हमें इंडिया में शिप का क्या काम? हम कहीं दूसरे देश में जाकर के व्यापार करते थे, लेकिन हम लोग कौन सा रूट इख्तियार करते थे? इंडिया का मेनली ट्रेड हम लोग कौन से रूट से करते थे? तो हमें क्या काम यार समुद्र में जाने का? और इंडिया को एक ऐसी कंट्री तो रही नहीं है कि हम लोग कहीं जाकर के किसी का जमीन हड़प लिया, ऐसा कुछ किए, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। तो हमें शिप का वैसा कोई काम था नहीं, हमारे पास अच्छे क्वालिटी का कैवेलियर होता था, घोड़े वगैरह होते थे, और आर्मी हमारे पास जो पैदल सैनिक होते हैं वो हमारी बहुत अच्छी रही थी, लेकिन हमारा नेवी पे उतना कभी फोकस नहीं था, तब तक जब तक इंडिया में कौन नहीं आए थे? यूरोपियंस, हॉर्सेस बोल रहा है। अच्छा ठीक है, कौन आया था संदीप बताओ? सो रहे हो क्या? अभी क्या पढ़ाई हो रही थी? हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं अभी? सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है? क्या बोल रहे हो? केमिस्ट्री, हाँ मेडिवल हिस्ट्री। सो नहीं ना रहे हो तुम, आगे बैठा करो तुम, हमको लगता है सो जाते हो, हमको लगता है सिर्फ तुम इधर होकर के बैठो और इसको एकदम सेंटर में रहने दो, ठीक है। मैच तो इतना रात तक चला नहीं था कि नींद आ रही है। हाँ आने वाले टाइम में अब तो डे नाइट मैच होगा इंडिया अफगानिस्तान का, वो सब मैच कौन देखे यार? इंडिया पाकिस्तान कब देखेंगे? 14th को, सैटरडे को मैच, सैटरडे को पूरा रटा हुआ है रूटीन एकदम, ठीक है। अब यूपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, ठीक है, आने वाले एग्जाम्स को लेकर के।
तो 21 को आपको है अप्रैल का, और उसके बाद सितंबर में या नवंबर में है शायद अगली बार का, तो अगर इस बार ठीक से नहीं पढ़े तो उसके लिए पढ़ना, ठीक है। तो यूपीएससी ने जारी कर दिया है कि आप अपना देख लो, ठीक है। और एग्ज़ाम में फिर वो टाइम वाइम चेंज नहीं होता कि सरकार आ रही है, ये हो रहा है, उसका कुछ लेना देना नहीं है, उसका टाइम है तो फिक्स है, ठीक है। दूसरी बात, पेपर के लेवल को हम लोग इस बार देखेंगे तो पेपर अच्छे खासे क्वालिटी का था, अगले बार भी अच्छा पेपर आएगा। अच्छे पेपर आने का मतलब है आपको बेसिक्स पे लौटना पड़ेगा, ठीक है। मैथ्स जिनका वीक है आप लोग प्लीज़ मैथ्स को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस शुरू करना। अब तो टाइम भी है यार, अब ये भी नहीं बोलोगे कि टाइम नहीं है, अच्छा खासा टाइम है पढ़ने के लिए, ठीक है। वर्ल्ड कप में देखना है मैच, इंडिया के मैच देखो, वो भी आखिरी का 20 ओवर, नहीं तो क्रिकबक वगैरह पे देख लो। हाँ, पाकिस्तान का मैच हो तो पूरा देखना, उस दिन तो सैटरडे ही है, मेरी तो क्लास भी नहीं, आराम से उस दिन फ़ोन वोन बंद करके, ठीक है। कहने का मतलब है आपके पास टाइम है अच्छा खासा, है ना। अप्रैल के वो भी लास्ट में एग्ज़ाम है, तो मई मान करके चलो, पढ़ा हुआ तो है ही, मैं अगर ये मान के चलूँ तो अभी भी 50% पिछला पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग बैक टू द बेसिक जाएंगे और फिर से स्टडी करेंगे करंट अफेयर्स वीकली बेसिस पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं फिर पिछले बार की तरह आज फिर एक एक कॉपी बना लूँ सबको, ठीक है। और पहले कॉपी में टॉपिक में हमें कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, पूरा एशियन गेम्स, एशियन गेम्स को अच्छे से पढ़ो, फिर मैं बताऊँगा और कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। इसराइल फिलिस्तीन वाला भी मैटर अभी शुरू हो गया है, तो उसमें ज़्यादा ये नहीं देखना है कि कौन किस पे कौन से मोर्टर और इससे हमला कर दिया, नहीं। इसराइल फिलिस्तीन का बॉर्डर एरिया ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा बॉर्डर शेयर कर रहा है, कौन सा, ये सब कुछ है, तो वो मैं देखूंगा। अगर मैं देखा कि पैटर्न एग्जाम न्यूज़पेपर में वो चल रहा है उस पैटर्न का, तो वो मैं हम लोग डील करेंगे। लेकिन अभी आपको 19th एशियन गेम के साथ आने वाले टाइम में इस वीक में और 2-3 टॉपिक बताऊंगा। इस वीक के टॉपिक को इसी वीक खत्म करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपके पास कम से कम जब आप दिसंबर आपके पास खत्म हो, एडिशनल आपके पास 100 के करीब टॉपिक हो जाए। इसमें मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी जो भी टॉपिक होगा वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। कॉपी इख्तियार कर लो, उसको फिर से नए तरीके से बनाना शुरू करो। हाँ, कहाँ थे, ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ बिलीव द किंगडम हु कंट्रोल दिस एरिया, रायचूर दोब, द किंगडम कंट्रोल्ड दिस एरिया, यानी रायचूर दो कंट्रोल्ड द विजयनगर एम्पायर, कंट्रोल्ड द विजयनगर एम्पायर, ठीक है। देखो वो है क्या उस क्लास में, अभी उसमें भी क्लासेस है क्या, कंट्रोल द विजयनगर एम्पायर, आगे लिखना। वी हैव सीन दैट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कृष्णदेवराय, वी हैव सीन दैट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कृष्णदेवराय द पोर्तुगीज पावर केम इन टू एग्जिस्टेंस इन इंडिया, द पोर्तुगीज पावर केम इन टू एग्जिस्टेंस In India, ठीक है। Portuguese power came into existence, मतलब कि अपने अभ्युद में आ चुका था, पावर में आ चुका था, ठीक है। आगे लिखना, कृष्णदेव राय हेल्प्ड पोर्तुगीज़ इन द कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट मतलब क्या होता है, कब्जा या जीतना, इन द कॉन्क्वेस्ट of Goa from the rulers of Bijapur, conquest of Goa from the rulers of Bijapur, he had friendly relation with Portuguese, he had friendly relation with Portuguese ठीक है, he had friendly relation with Portuguese and Krishnadev Rai understood that the Portuguese will help him
टू बूस्ट अप द इकॉनमी, टू बूस्ट अप द इकॉनमी ऑफ विजयनगर एम्पायर, ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है. He maintained a trade relationship with Portuguese. He maintained a trade relationship with Portuguese. Trade relationship with Portuguese. ठीक है. Where the exchange of Arabian horses, where the exchange of Arabian horses and अब विजयनगर एम्पायर को तो अरेबियन हॉर्सेस मिला, पोर्तुगीज को क्या मिला? पोर्तुगीज को अच्छे क्वालिटी का सिल्क स्पीसेस, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको स्टोन स्कल्पचर यानी आर्ट एंड आर्किटेक्ट वगैरह के इम्पोर्टेंट. सिल्क हमारे यहाँ अच्छा होता है, साउथ इंडिया में तो वैसे भी बहुत अच्छे क्वालिटी का सिल्क होता है. यूरोपियंस को कहाँ पता सिल्क के बारे में? हमारे इंडिया में जब कांजीवरम साड़ियाँ बनाई जा रही थी तो यूरोप में लोग सादा कपड़ा वाइट कलर का कपड़ा पहन के घूमते थे क्योंकि उनके पास इंडिगो था ही नहीं पेंट करने के लिए. हमारे अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल रहे थे. हमारे साथ साथ और जिस कंट्री में अच्छे क्वालिटी का कपड़ा मिल रहा था वो था, और यही कारण ना चाइना और इंडिया के बीच में कौन सा रूट डेवलप हुआ? सिल्क रूट. क्योंकि यूरोपियन ट्रेडर्स आते थे, हमें अच्छा खासा मुनाफा देते थे और बदले में यहाँ से क्या ले जाते थे? लेकिन बीच में लूट लिए जाते थे बाय अरब्स, है ना. और सिल्क रूट के ख़त्म होने के बाद हमने फिर क्या देखा कि क्या बना? सी रूट. और एक बार सी रूट बन गया, इंडिया का मार्केट खुल गया विदेशी कंपनीज के लिए. बस इतना ही होना था. इट वॉज दैट मोमेंट वेयर इंडिया न्यू बस ठीक है कि भैया अब हमको एकदम गुलामी गुलाम बन जाना है हमको हमेशा के लिए. ट्रेड रूट का खुल जाना, ट्रेड रूट का खुलना प्लस यहाँ पर के राजाओं की बेवकूफ़ी, यहाँ पर के राजाओं का बेवकूफ़ी कि हाँ भाई हमें कुछ काम धाम नहीं करना है, ठीक है, तुम हमें एकदम पैसा वैसा कमा करके दो, हमको कुछ नहीं करना है, तुम बढ़िया. इंडियन राजाओं को लगा कि ये बढ़िया है यार, ये लोग मजदूर सब बाहर से आए हैं हमारे यहाँ काम करेंगे हमको पैसा. लेकिन उनको पता ही नहीं था कि ये लोग जितने ज़मीन से ऊपर हैं ये लोग उतने ही ज़मीन के नीचे हैं. इनका तो लंबा लंबा गेम चल रहा है. ये तो सोच रहे हैं कि अब कर्नाटक में पोर्तुगीज बुलवाएंगे लोगों से, और हुआ भी. गोवा में आज भी बहुत ज़्यादा अब तो इंडियन है लेकिन वो सब पोर्तुगीज डिसेंडेंट के हैं. कर्नाटका में भी बहुत सारा ऐसा डिश है. एक होता है चिकन वेंडालू, एक इम्पॉर्टेंट डिश है चिकन की. इसमें बहुत ज़्यादा बहुत तीखा डिश होता है, ये वो लोग पोर्तुगीज लाए हैं. अब ऐसा हो गया है कि आप गोवा के किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ तो वो वहाँ पर आपको मिलेगा ये, और उसमें लिखा भी रहेगा गोवन स्पेशल, जबकि वो गोवा का है ही नहीं, वो तो आया पुर्तगाल से. ऐसे आपको बहुत सारे एक डिश होती है फेनी, एक अल्कोहलिक ड्रिंक होती है जिसको कैश्यू नट को काजू को फर्मेंटेट करके बनाया जाता है, ठीक है, गोवा में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. वो भी आया है वहाँ से स्पेन और पोर्तुगीज से, क्योंकि वो अपने साथ वो सारी चीज़ लाए थे, है ना. हमारे यहाँ जो इम्पोर्टेंट जितने भी टोमेटो वगैरह के देख रहे हो, अच्छे खासे क्वालिटी का जो मिर्च वगैरह देख रहे हो, वो सब आया है पोर्तुगीज से. हमारे पास पहले खाने में जो तीखापन डाला जाता था वो आता था ब्लैक पेपर से. हमारे पास हैलपीनियो मतलब वो जो आता है आपको मिर्च, हमारे पास उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, ये सब वहाँ से आया. तो इतना ज़्यादा चीज़ आया और गुलाम भी करके ले गया, ठीक है. और ब्रिटिशर्स के पास तो देने के लिए कुछ नहीं था. पोर्तुगीज़ के पास तो था कि तंबाकू वगैरह था उनके पास देने के लिए, ब्रिटिशर्स के पास कुछ नहीं था सिवाय होप के कि एक बार हमको मौका दीजिए हम खूब पैसा कमा के देंगे. और दिया भी, बिजनेस माइंडेड था बहुत अच्छा. अगर बिजनेस माइंडेड नहीं होता, अगर मैनिपुलेटिव नहीं होता यार, तो इतने साल कैसे पूरी दुनिया में राज कर पाता? पूरे दुनिया में कभी मैप देखना कि कॉलोनाइजेशन ऑफ ब्रिटिशर्स, पूरे दुनिया में तुमको मिलेगा मैप. आज भी इतने साल के बाद भी उसके मैप बहुत सारे देश में है. ऑस्ट्रेलिया के झंडे पे ब्रिटेन का मैप ऐसा करके देखा होगा, है ना, ऐसा करके बना रहता है, और स्टार फिर बना रहता है. न्यूजीलैंड पे, टोगा पे, फीजी पे, शिशेल पे, बहुत सारा ऐसा देश है जिस पे अभी तक झंडा में रखा हुआ है. आने वाली सरकार कह रही है ऑस्ट्रेलिया की कि हम इसको हटा देंगे क्योंकि ये हमको गुलामी का प्रतीक बताता है. इंडियन नेवी में भी आपने देखा होगा
एक इस तरह का बना रहता था क्रॉस रेड कलर का, जो ब्रिटेन के झंडे जैसा है। इंडियन नेवी ने हटा दिया, इंडियन नेवी ने नया तैयार किया है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज का मुहर। हमने कहा कि नहीं वो है हमारे, हम भाई क्या करेंगे तुम्हारे लेकर के, ये तो ब्रिटिशर्स को मैं ना अच्छे खासे डिसिप्लिन्ड वे में पायरेट्स ऑफ करेबियन ही मानता हूँ कि ये लोग पायरेट्स ही थे, समुद्री लुटेरे थे जो इंग्लिश बोलना जानते थे और चाय बनाना जानते थे बस। हाँ इंडिया में चाय को बढ़ावा ब्रिटिशर्स ने ही दिया है, ठीक है ये आए बस, इन्होंने दो काम किया। एकमात्र अच्छा काम जो ब्रिटिशर्स ने किया है वो बनाया है ना मैरी गोल्ड कुकी, अदो ना बिस्किट, वो रेसिपी ब्रिटिशर्स का है, वहाँ पे वो लोग बनाते थे डाइजेस्टिव बिस्किट, तो वो बस लाएँ। और कोई हाँ एक सबसे बड़ा इन्होंने और काम किया कि क्रिकेट दिया है दुनिया को। इसीलिए दुनिया में जहाँ भी कॉलोनाइजेशन हुआ है वहीं पर क्रिकेट का विस्तार हुआ है। उंगली पे जोड़ लो देश को, अफ्रीका का सदर्न पार्ट ब्रिटिशर्स के अंदर था, साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेलता है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ब्रिटिशर्स के अंदर था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड क्रिकेट खेलता है। इंडिया पाकिस्तान यानी सब कॉन्टिनेंट क्रिकेट खेलता है। वेस्ट इंडीज में ये लोग गए थे, मैंने कहा था ना दो ये लोग इंडीज कहते थे, एक ईस्ट इंडीज और एक तो ईस्ट इंडीज में ईस्ट इंडिया कंपनी, वेस्ट इंडीज में वेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, वहां क्रिकेट खेलना शुरू हुआ। साउथ अमेरिका कभी गए नहीं, नॉर्थ अमेरिका कभी एक्सप्लोर किया नहीं, यूरोप में आगे कहीं बढ़े नहीं। तो जहां जहां ब्रिटिश कॉलोनी गया वहां वहां ये लोग क्रिकेट लेकर के गए, वहां वहां ये लोग इंग्लिश लैंग्वेज लेकर के गए, वहां वहां इन्होंने एक नया वायरस सॉरी कदेरी या कुछ भी कह के सॉरी बोल के निकल जाओ। तो ये सारा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा ब्रिटिशर्स का। जहां भी फुटबॉल खेला जा रहा है वो कंट्रीज हैं जो लैटिन अमेरिकन कंट्री के अंदर आए। एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहो साउथ अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, ये सब के सब देश कौन से लैंग्वेज बोलते हैं सिवाय ब्राजील के? स्पेनिश। कौन सा लैंग्वेज बोलता है? वैसे फुटबॉल भी मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि फुटबॉल भी खेला गया था इंग्लैंड में, लेकिन ये वो कंट्रीज हैं जो स्पेनिश कॉलोनीज और पोर्तुगीज कॉलोनी में यहाँ पे खेला जाता है फुटबॉल, और जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स आए वहाँ पे खेला जाता है क्रिकेट। और खुद क्रिकेट जीत क्रिकेट खेलने के बाद खुद अभी इतने साल के बाद वर्ल्ड कप जीता, वो भी चोरी चकारी से। अब वो वाला रूल नहीं है, सुपर ओवर अगर आपने खेला है तो एक और सुपर ओवर आपको खेलना होगा। पिछली बार था ना बाउंड्री काउंट, तो इस बार वो वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है तो यही ब्रिटिशर्स का यही हिसाब किताब। और ब्रिटिशर्स अपने आप को ना बहुत धर्मात्मा मानते हैं। अभी जब चंद्रयान मिशन हम लोगों ने लॉन्च किया था तो ब्रिटिशर्स कह रहा था एक ऐसा देश जहाँ पे लोग भुखमरी में मर रहे हैं वहाँ क्या ज़रूरत है चांद को, चांद पे जाने की। तो इंडियन ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले आप जो हमारा, हम लोग हाँ हम लोग हैं गरीब, लेकिन किस एंगल पे कह रहे हो? तुम्हारी इकॉनमी से अच्छी हमारी इकॉनमी है, वो भी तब जब तुमने 2 साल लगातार लूटा है हमारे देश को। दुनिया में अगर कहीं सबसे खराब अकाल पड़ा है तो वो ब्रिटिशर्स के टाइम में पड़ा है। लोग मरे हुए शव को खाने पे मजबूर हो गए थे बिहार और बंगाल वाले रीजन में, क्योंकि खाना ही नहीं था। और जिस टाइम में इंडिया में लोग अपने रिलेटिव्स के डेड बॉडी को खा रहे थे बस इसलिए ताकि बच जाएं, उस वक्त लंदन में कॉन्क्लेव पार्टीज होती थी, और वो पार्टीज में जो ब्रेड बनता था वो बनता था इंडिया में उपजाए गए गेहूं से। तो अगर ब्रिटिशर्स, अगर आपको या ब्रिटेन या वेस्टर्न मीडिया अगर ये कहे कि बहुत ज़्यादा ज्यास्ती हो रही है तो वो तो ऐसा ना बोलें। कल को वही बात हो जाएगी कि तालिबान उठ के कहे कि नहीं भाई आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए, ये वही बात हो जाएगी। तो अगर ब्रिटिशर्स आपको उपदेश दें तो वो सबसे बेकार लोग हैं। सूट टाई अच्छा पहनते हैं, है ना, इंग्लिश अच्छी थोड़ी, एक तो और भी क्या अजीब सा एक्सेंट में बोलते हैं, उससे अच्छा इंग्लिश तो साउथ इंडियन बोल ले, बस इतना है उनका कंट्रीब्यूशन है। एक आध कंट्रीब्यूशन हैरी पॉटर मूवीज़ वगैरह बनाने में कह सकते हो कि है, जेम्स बॉन्ड मूवीज़ वगैरह डायरेक्ट किया है, और बाद बाकी कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। ज़्यादातर उनका कंट्रीब्यूशन डार्क वेब पे मिलता है, और ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन है नहीं जो दुनिया से, वॉर तो जीता नहीं उन्होंने मॉडर्न टाइम में। पहले जो भी उन्होंने जीता वो जीता कॉलोनाइजेशन करके, दूसरों को बेवकूफ़ बना करके उनकी ज़मीन हड़पते गए। तुम खुद कहाँ से जीते हो कोई सी बहुत बड़ी वंग? वर्ल्ड वॉर वन में भी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अचीव नहीं किया उनसे अच्छे अच्छे, तुम्हारी सारी जंग इंडियंस ने लड़ी। वर्ल्ड वॉर वन में हम लड़े तुम्हारे लिए, वर्ल्ड वॉर टू में लड़े हम तुम्हारे लिए, अफगानिस्तान से लड़ने के लिए तुम हमारे 6 सोल्जर्स को लेकर के गए, तुमने अपनी लड़ाइयाँ कभी नहीं लड़ी। और अपने आप को बताते हो कि वेल डेवलप्ड नेशन, कुछ नहीं है, बकवास एकदम बेकार।
मेरा ये मानना था पहले कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त होता है लंदन वगैरह, इंडिया से ज़्यादा, कम से कम इतनी ज़्यादा भूखमरी है वहाँ पे, बस पूछो मत, होमलेस लोग भरे पड़े हैं। अभी कुछ दिनों पहले आया था कि वहाँ पे और यूएसए में भी सेम हालत है, कनाडा यूएसए में भी लोग इतना ज़्यादा नशा करते हैं कि ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, लोग मर रहे हैं रोड पे, ऐसी हालात हो गई। एक जॉम्बी वायरस करके कुछ दिन पहले सबने सुना होगा, कोई जॉम्बी वायरस आया, वो कोई जॉम्बी वायरस नहीं था, मेथेनफेटामीन नाम का एक ड्रग्स होता है, मेथेनफेटामीन नाम का एक ड्रग्स होता है जिसको स्ट्रीट लैंग्वेज में क्रिस्टल मेथ कहते हैं या ग्लास कहते हैं, ठीक है, ये बनता है वहां पे, स्मोक करते हैं लोग और साथ साथ दिन तक लोग हाई होते हैं, हाई क्या होते हैं, पागलों जैसा बिहेव करते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में दिखा रहा था कि नया वायरस आया है, एक तो दिक्कत है कि इंडियन टीवी में मीडिया में देखो तो लगता है बस अब कल ही मरने वाले हैं, पता चला जॉम्बी वायरस, मैंने देखा क्या है भाई जॉम्बी वायरस, कुछ है सही में वॉकिंग डेड वगैरह टाइप का है क्या, कुछ ऐसा नहीं था। ज़्यादातर लोग मेथेनफेटामीन के नशे में रहते हैं और अजीब अजीब काम करते हैं बिना मतलब का काम। न्यूयॉर्क वर्ल्ड का सबसे गंदा शहर है, सैनिटेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बेकार, मतलब वो सब जो दिखता है ना वो बस शाहरुख खान ऐसे बांह फैलाता है न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पे, वो बस मूवीज में दिखने लायक चीज़ है, ठीक है। तो अपना मगध एम्पायर ही अच्छा है, हाँ बताओ यार दुनिया में कोई अगर हो ऐसा तो, है ना। तो क्लियर है यहाँ तक की बात, तो कहाँ थे हम लोग, अरेबियन हॉर्सेस, कृष्णदेव राय एक्सचेंज गुड क्वालिटी ऑफ सिल्क इंडियन स्पाइसेस, और इंडियन स्पाइसेस में भी सबसे इंपॉर्टेंट स्पाइसेस कौन सा है, केसर और ब्लैक पेपर। हम लोग सबसे ज्यादा क्या, केसर यानी कि सैफरन, ब्लैक पेपर एंड सिनेमन, दालचीनी, ये तीन इंपॉर्टेंट स्पीसीज स्पाइसेस हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट, लिख रहे हो अभिषेक, लिखो ब्लैक पेपर, सिनेमन एंड सैफरन। साउथ इंडिया में तो बहुत खजाना है, बिल्कुल आप देखोगे ना तो साउथ इंडिया में एकदम खजाना है स्पाइसेस का, ब्लैक पेपर, सैफरन एंड सिनेमन। सिनेमन होता है दालचीनी, दुनिया में बेस्ट क्वालिटी की दालचीनी सदर्न इंडिया में ही मिलती है और खास करके सिलोन और श्रीलंका वाले रीजन में, तो उस वजह से साउथ इंडिया में भी अच्छे खासे क्वालिटी का हमें देखने को मिलता है। लिखेंगे, अब आते हैं हम लोग रिलीजियस पॉलिसीज पे, लिखेंगे, एज वी हैव स्टडीड अर्लियर दैट द विजयनगर किंगडम और द सदर्न इंडिया और द सदर्न इंडिया कौन से दो भगवान, शिवा एंड विष्णु। शिवा में भी एक तो जो प्रॉपर हमारे महादेव हैं जो पूरे इंडिया में पूजे जाते हैं, उसके साथ साथ एक और भगवान लॉर्ड वीरू पक्षा, इसी के साथ साथ शिव के बेटे कार्तिकेय, नहीं मुरुगन, हम हमारे यहाँ इनको कार्तिक कहते हैं लेकिन वहाँ पे इनका भगवान, इनका नाम है मुरुगन। इसके साथ साथ विष्णु में एक तो प्रॉपर विष्णु हो गए जिनको नारायण कहते हैं, उनके साथ साथ विष्णु के दशा अवतार जिनमें से इम्पॉर्टेंट एक है वराह, ठीक है, वराह अवतार की मेनली पूजा होती थी कर्नाटका में। कांतारा मूवी अगर हो समय टाइम तो देखना, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया कि किस तरह से वराह अवतार को मैनिफेस्ट किया जाता है और कितने इम्पॉर्टेंट भगवान है वराह। तो हम ये देख पा रहे हैं कि साउथ इंडिया में दो इम्पॉर्टेंट भगवान की पूजा हो रही है, शिवा विष्णु। अब ऐसा नहीं है कि इनके साथ साथ देवी की पूजा नहीं हो रही, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप शिव की पूजा बिना शक्ति के नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन है, आप शिव का कोई भी, आप कभी भी कोई भी पूजा करो आप बिना शक्ति के नहीं कर सकते, है ना। तो शिवा के साथ शक्ति का पूजन होना और विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी को पूजना, ये साउथ इंडिया में देखा गया है। अगर कोई पूछता है कि क्या देवियों की पूजा नहीं होती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, देवी की पूजा होती थी क्योंकि दोनों ही इनकार्नेशन में दोनों ही भगवानों की पूजा आप उनके फीमेल पावर के बिना
नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग जितने भी लोग सिग्मा मेल वगैरह अपने आईडी में लगा रहे हैं वो ये सब बात भूल जाइए। जब भगवान कंप्लीट हैं बिना शक्ति के तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि विष्णु और शिवा का मैनिफेस्टेशन है, दोनों को उनके फीमेल डाइटी के साथ पूजा गया है। हर एक भगवान का अपना एक इम्पॉर्टेंट मंदिर बनाया गया है जिनमें उनके इम्पॉर्टेंट आइडल को स्थापित किया गया है। कहाँ पे? गर्भगृह में लिखेंगे। शिवा एंड विष्णु वर टू ऑफ द मेजर गॉड, शिवा एंड विष्णु वर टू ऑफ द मेजर गॉड वर्शिप्ड इन सदर्न इंडिया, ठीक है। अवतार्स ऑफ विष्णु ब्रैकेट में दशावतार, अवतार्स को इंग्लिश में इनकार्नेशन कहते हैं, ठीक है, लिख दो। ठीक है, क्या लिखे बताना। अवतार ऑफ विष्णु दशावतार वॉज ऑल्सो वर्शिप्ड वराह एंड नरसिम्हा। देखो बहुत सारे राजाओं के नाम में भी नरसिम्हा लिखा हुआ है। वराह एंड नरसिम्हा वर इंपॉर्टेंट अवतार्स, वराह एंड नरसिम्हा वर इंपॉर्टेंट अवतार हु वर वर्शिप्ड। ठीक है, दो सेक्शन में डिवाइड था, शैव्या और वैष्णवा। कौन कौन सा? शैव्य और वैष्णवा। नाम से पता चल रहा है शिव को पूज रहे हैं और यहां पे विष्णु की पूजा हो रही है। लिखेंगे श्री वीरूपक्षा ब्रैकेट में इनकार्नेशन ऑफ महादेव या शिवा जो भी लिखना चाहो, वीरूपक्षा द इनकार्नेशन ऑफ शिवा या महादेव जो भी लिखना चाहो, वॉज ऑल्सो वर्शिप्ड। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ शिव के डांस करते हुए फॉर्म को भी पूजा गया है। यानी और किसकी पूजा हो रही है? नटराज की। किसकी पूजा हो रही है? साउथ इंडिया में क्लासिकल डांस और म्यूजिक बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। आप इंडिया में अगर कहीं साउथ इंडियन म्यूजिक या जो क्लासिकल हम लोग कहते हैं ना म्यूजिक, वो साउथ इंडिया में डेवलप हुआ है। और इसके लिए दो भगवानों की पूजा करना बहुत ज़रूरी है, सरस्वती और डांस के लिए नटराज। ठीक है, यानी दो भगवान जिनको और हम लोग देख रहे हैं आर्ट एंड कल्चर से। अगर हम रिलेट करके इसको पढ़ें, रिलीजन फॉर्म में आप इसको पढ़ सकते हो, आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म में अगर आपको पढ़ना हो तो दो भगवान जिनको हम लोग और देख रहे हैं एक्टिव हैं वो हैं सरस्वती फॉर क्लासिकल म्यूजिक एंड नटराज, शिवा नहीं नटराज फॉर डांस। क्लियर है यहां तक की बात? आया समझ सबको? लिखो आगे क्या था टॉपिक, थोड़ा बताना लास्ट पॉइंट। कोई एक बताओ यार। श्री वीरूपक्ष वॉज ऑल्सो वर्शिप्ड एज वेल एज मुरुगन। मुरुगन सबको पता है कार्तिक भगवान के रूप हैं। ठीक है, हो गया। नटराज फॉर्म ऑफ शिवा वॉज पॉपुलर अगेन अमंग द नटराज फॉर्म ऑफ शिवा वॉज पॉपुलर अमोंग द देवदासीज। पढ़े हम लोग देवदासीज के बारे में। कौन है देवदासीज? देवदास की गर्लफ्रेंड वाइफ। तो हाँ बिल्कुल, साउथ इंडिया में मंदिरों में हर एक घर से एक लड़की को भगवान को समर्पित किया जाता था और इन्हें कहा जाता था देवदासी या द सर्व ऑफ। इनका पोजीशन, जब वुमेन का पोजीशन बहुत अच्छा था तो इनको ट्रीट किया जाता था एज अ गॉडेस, देवी की तरह पूजा जाता था। लेकिन एक बार जब मुगल आक्रमणकारी आए हैं तो इनकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिटोरिएटिंग हालात हो गई। एक टाइम पे जहाँ पे इनको पूजा जाने लगा वहाँ पे फिर ये बस एक ऑब्जेक्ट बन के रह गई और बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई देवदासीज की। हम लोग देवदासीज कल्चर को देख रहे हैं विजयनगर एम्पायर में और चोला एम्पायर में।
ये क्या काम करती थी, भगवान के लिए नए नए वस्त्र बनाना, उनके लिए फूल माला बनाना, है ना, भगवान का जितना जो भी करना था, भगवान को नहलाना, उन्हें ठीक तरीके से पूजा पाठ करना, ये सारा कुछ करते थे। बहुत जगह इंस्क्रिप्शन में ये लिखा गया है कि कभी कभी तो किसी किसी मंदिर में मेन पुजारी से पहले देवदासी जाकर के पूजा करती थी। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल में डांस परफॉर्मेंस करना, भजन कीर्तन करना, ये सारा इनका एक इंपॉर्टेंट काम था देवदासी का। मगर एज द सोसाइटी प्रोग्रेस, इनका स्टेटस बहुत ज्यादा गिर गया सोसाइटी में, जहां पे लोग एक ऑनर मानते थे अपनी बेटियों को देवदासी बनाने के लिए भेजने के लिए, वहां लोग अब कतराने लगे क्योंकि समाज अपने बहुत ही बेकार से कंडीशन में पहुंच चुका था इस टाइम। क्लियर यहां तक की बातें? ठीक है, पॉइंट बताना। हाँ पूछो नटराज। फॉर्म ऑफ शिवा वॉज वर्शिप अमंग देवदासीज। देवदासीज पूजा किसकी करती थी? नटराज की, क्योंकि डांस वगैरह म्यूजिक वगैरह के लिए नटराज के। ठीक है, ठीक है। गॉडेस सरस्वती वॉज वर्शिप, गॉडेस सरस्वती वॉज वर्शिप बाय क्लासिकल सिंगर्स, बाय क्लासिकल सिंगर्स। ठीक है, पॉइंट चेंज करना, लिखना। कृष्णदेव राय वॉज वैष्णवा। समझ में आ रहा है कौन से भगवान की पूजा कर रहे होंगे? ठीक है, कृष्णदेव राय वॉज फॉलोअर ऑफ, कृष्णदेव राय वॉज वैष्णवा। फॉलोअर समझ में आ रहा है सबको कौन सा है? ठीक है, बट ही रिस्पेक्टेड ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड रिलीजन, बट ही रिस्पेक्टेड ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड रिलीजन। ठीक है, ही वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा। कौन से भगवान को पूजते थे? लॉर्ड वेंकटेश्वरा को, तिरुपति बालाजी। ठीक है, लॉर्ड वेंकटेश्वरा लिख दूं क्या? He was the follower of Venkateshwara. देखो Venkateshwara किन के अवतार हैं? दशावतार में, दशावतार नहीं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये उनको पूज रहे हैं। ठीक है, तिरुपति बालाजी आपने सुना होगा मंदिर में, Venkateshwara स्वामी की आंध्र प्रदेश में मंदिर है। ठीक है, आगे लिखेंगे, हो गया। many bhakti saints visited the court of Krishnadev Rai during this period. Many bhakti saints visited the court of Krishnadev Rai during this period, such as Vallabhacharya, लिख दूं क्या? Such as, लिखना है क्या? Vallabhacharya and Chaitanya Mahaprabhu। वैसे मुझे लगता है शेयर भी करूंगा तो कुछ खास इसमें पता नहीं चलेगा, लिखा हुआ है तुम्हारे पास नोट्स, वो बेस्ट है। ठीक है, ऐसे शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, यानी वल्लभाचार्य एंड चैतन्य महाप्रभु, ये दोनों कौन है? भक्ति संत हैं, जो किसके टाइम पीरियड में कहाँ ट्रेवल किए हैं बताओ केशव। हाँ, क्या कर रहे हो, कौन है ये दोनों? ओपनिंग बैट्समैन साउथ अफ्रीका के, कौन है फिर? भक्ति सेंट्स है क्या? अलग ही शो हो गया है, हो गया। लिखो वल्लभाचार्य एंड चैतन्य महाप्रभु, ये दोनों भक्ति सेंट थे जो विजिट किए हैं विजयनगर किंगडम ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ राजा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट, अगला स्टार बना लेना इस पे। कृष्णदेव राय रिसीव्ड द टाइटल ऑफ आंध्र भोजा। कृष्णदेव राय रिसीव्ड द टाइटल आंध्र भोजा। ठीक है, he was a great admirer of art and culture and was also known as Abhinava Bhoja. Hello.
ऑल्सो नोन एज अभिनवा भोजा, ठीक है। He himself was a great scholar. He wrote numerous plays. Plays मतलब पता है ना, नाटक. He wrote numerous plays. ठीक है. Many of them were in Sanskrit. Many of them were in Sanskrit. ठीक है. He was a great scholar of Kannada. ठीक है. And he also wrote a very famous work in Telugu. And he also wrote a very important work in Telugu called Amukt Malayada. He also wrote a famous work in Telugu. लिखना पड़ेगा क्या? कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है? तेलुगु. ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? जैसे हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं वो मेंबर्स जिनमें कुछ अच्छा होता है क्वालिटी, तो इसी तरह ये भी जिनमें जिन लोगों में अच्छा आर्ट कल्चर साइंस का समझ होता था वो इसको अपने कोर्ट में अप्रिशिएट करते थे, इनाम वगैरह देते थे, और कुछ को तो अपने बहुत बड़े एक कॉन्क्लेव में भी शामिल कर लिए थे. और यहां से एक टाइटल आता है, अष्टदिग्गजम. मतलब होता है जो बहुत ग्रेट होते हैं, है ना, दिग्गजम कहते हैं जो बहुत ज्यादा ग्रेट होते हैं. और अष्ट दिग्गजम में वो आठ लोग होते थे जो बहुत ज्यादा ग्रेट होते थे, और इनमें से एक था ठीक है लिखेंगे कृष्णदेव राय कोट वॉज डेकोरेटेड विथ अष्ट दिग्गजम. कहीं कहीं इनको अष्ट दिग्गजक भी कहा गया है, कहीं कहीं अष्ट दिग्गजा भी कहा गया है. राजा कृष्णदेव राय कोर्ट वॉज डेकोरेटेड विथ अष्ट दिग्गज. ठीक है, होमवर्क लिखो, आठों अष्ट दिग्गज के बारे में लिख करके आना है. होमवर्क लिखो, अष्ट दिग्गजम के बारे में ठीक से पढ़ के आना है. और ठीक है, ठीक है. These are the people who were highly intelligent and had a great knowledge in their respective fields. कोई बहुत अच्छा painter था, कोई बहुत अच्छा musician था, है ना, किसी का IQ बहुत ज़बरदस्त था. ठीक है, हाँ भाई, कौन सा point छूट रहा है? इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, उनका जो जो फील्ड था उसमें वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग थे. ठीक है, केशव भी शामिल हो सकता है दिग्गज में. क्या टैलेंट है केशव तुम्हारे अंदर? आंख खोल करके सोने का टैलेंट. देखो हाँ बोल रहा है अभी भी. ठीक है, चलो आगे लिखो. ही वॉज अ ग्रेट architect. He was a great architect and constructed some beautiful buildings in southern India. Such as Vijay Mahal. ठीक है, विठला स्वामी मंदिरम. अब विठल भगवान भी जो है वो विष्णु के अवतार हैं. ठीक है, विठला स्वामी मंदिर एट विजयनगर एज वेल एज
एज वेल एज रामस्वामी टेम्पल एट विजयनगर, ठीक है। मंदिर जो बन रहा था किस स्टाइल का मंदिर बन रहा था, कौन से स्टाइल का मंदिर बनता था, द्रविडियन स्टाइल का लिखेंगे। द टेम्पल्स एंड बिल्डिंग्स हैड एसेंस ऑफ, द टेम्पल्स एंड बिल्डिंग हैड एसेंस ऑफ, एसेंस एसेंस मतलब होता है खुशबू, ठीक है। अब खुशबू यहां पे कहने का ये मतलब है कि यहां पे उनमें झलक जो हमको दिखती थी, हैड एसेंस ऑफ द्रविडियन स्टाइल बिल्डिंग्स, द्रविडियन स्टाइल बिल्डिंग्स। टेम्पल्स कंसिस्टेड ऑफ विमाना, पढ़ चुके हैं ना हम लोग, टेम्पल कंसिस्टेड ऑफ विमाना, गर्भगृह, गर्भगृह विमान, गर्भगृह। और बताओ, बताओ अनुपम, और क्या क्या है फीचर। मंडपम है, आप बताइए अनीता, मंडपम में क्या फीचर है, मंडपम में क्या फीचर है द्रविडियन आर्किटेक्ट में। मंडपम में हम लोग और कुछ देख पा रहे हैं, पिलर्स वगैरह पे कुछ है लिखा हुआ, पिलर्स पे क्या है, इंस्क्रिप्शंस है, क्या है, जो जनरली कौन से लैंग्वेज में लिखा जाता था, वहां पर के रीजनल लैंग्वेज में, यानी कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम या फिर संस्कृत में। क्या आंगड़ा इतना नीरज ले रहे हो, बहुत टूट रहा है क्या बदन, मार मार के तोड़ देंगे, ठीक है, होश में रहो, सो रहा है बिल्कुल। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली में इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं, और बहुत ज्यादा बहुत जगह इंस्क्रिप्शन किस फॉर्म में लिखे गए हैं, पिक्टोग्राफिक, यानी कि पिक्चर बनाया गया है, मंदिरों को सजाया गया है छोटे छोटे मूर्तियों से, और मंदिर के पिलर्स पे तमिल, तेलुगु, मलयालम में, अच्छा इंस्क्रिप्शन तो लिखा गया है, और कुछ लिखा गया है क्या इंस्क्रिप्शन में, इंस्क्रिप्शन में तो चलो भगवान के बारे में लिखा गया, और कुछ लिखा गया है क्या इंस्क्रिप्शन में, राजा के बारे में। हम लोग ये देख पा रहे हैं साउथ इंडिया में जो मंदिर का ज्यादातर, ऐसे तो मंदिर लोग सेवा भाव से रिलीजियस एस्पेक्ट से बनाते थे, लेकिन हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि कोई जो बड़ा युद्ध जीत के आता था तो वो क्या करता था, मंदिरों का निर्माण करवाता था, ठीक है। जैसे राजेंद्र जीता, विजयालय जीता, राजा राज जीते, तो ये सब मंदिरों का निर्माण करवाते थे, और मंदिर में इंस्क्रिप्शन में किस तरह से युद्ध जीते वो ये अपना लिखवाते थे, यानी कि मंदिर के इंस्क्रिप्शन में आपको उस राजा के द्वारा उसकी बायोग्राफी भी आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिल जाता। यानी कि क्या क्या फीचर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, विमाना, गर्भगृह, हाँ गोपुरम भी है, गुड, मंडपम, और मंडपम के पिलर्स पे इंस्क्रिप्शंस, इसके साथ साथ और पिक्टोग्राफ, और गोपुरम एक बहुत बड़ा सा एंट्रेंस। मंदिर के मेन प्रांगण में पहुंचने के लिए आपको जिस बड़े से पिलर को होकर के गुजरना होता था, उस पिलर का नाम है गोपुरम, लिख लेंगे ये सारे फीचर्स को लिखना, आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। विमान, गर्भगृह, मंडपम, मंडपम के पिलर्स पे इंस्क्रिप्शन, और अ ह्यूज गेट विच वॉज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द कोर्ट यार्ड ऑफ टेम्पल नोन एज क्या कह रहे हो, विमान, ये हो गया, हाँ, इस तरह का जो पत्थर जो ऐसा करके बना रहता था, ऐसा करके उसके ऊपर जो इस तरह का एक बना रहता था, अब हर मंदिर पे अलग अलग है, किसी पे पत्थर नहीं है, तो विमान इस तरह से दिखाया जाता था कि एक स्पेसक्राफ्ट का है। बहुत जगह है, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि मॉडर्न डे, उस दिन मैंने बताया था ना कि फ्यूल और अंदर में उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो उस तरह से, हाँ विमान, गर्भगृह वाले में तो इस तरह से हमारा था, लिख लो ये सारा का सारा। गोपुरम इंपॉर्टेंट है, और गोपुरम के गेट पे इंस्क्रिप्शन लिखा रहता था लोकल लैंग्वेज और पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में। हो गया सबका, समझ में आ रहा है सबको, ऐसा तो नहीं कि समझ में बाउंस कर रहा है, समझ में आ रहा है अभिषेक ये सारी चीजें, हाँ तो ठीक है, आगे लिखो। अब ये वाला हो गया हमारा, लिखेंगे अ ग्रेट बिल्डिंग विच वॉज कंस्ट्रक्टेड, अ ग्रेट बिल्डिंग विच वॉज कंस्ट्रक्टेड वॉज प्रेजेंट इन राजा गोपुरम। कृष्णदेव राय ने एक बहुत ही खूबसूरत सिटी बनाया था, नाम था
राजा गोपुरम, राजा गोपुरम, ठीक है ठीक है। राजा गोपुरम के साथ साथ एक और खूबसूरत सिटी बनाई, ही ऑल्सो डेवलप्ड अ सिटी कॉल्ड एज, ही ऑल्सो, लिखो नीरज, ही ऑल्सो डेवलप्ड अ सिटी कॉल्ड नगलापुरम, होमवर्क है पता करके आना है कि नगलापुरम को किसके याद में बनाया गया था, ठीक है होमवर्क लिखो, नगलापुरम वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कृष्णदेव राय इन मेमोरी ऑफ, ये पता करके आना है, नगलापुरम वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कृष्णदेव राय इन द मेमोरी ऑफ, ठीक है क्लियर है। अब ऐसा नहीं है कि बस मंदिर का निर्माण और बिल्डिंग्स का निर्माण, जी नहीं, विजयनगर किंगडम में कृष्णदेव राय ने जबरदस्त डैम्स भी कंस्ट्रक्ट करवाए हैं, क्योंकि अगर आपको अच्छा क्वालिटी का इकोनॉमिक्स चाहिए तो आपको अच्छी क्वालिटी का फसल चाहिए, और फसल के लिए अच्छे क्वालिटी का इरिगेशन चाहिए, यानी कि हम लोग देख पा रहे थे चोला एम्पायर में भी टैंक वगैरह बने थे और यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं डैम का कंस्ट्रक्शन है। लिखेंगे, अपार्ट फ्रॉम ऑल द रिलीजियस एंड ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स, अपार्ट फ्रॉम ऑल द रिलीजियस एंड ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स, buildings, construction was also done for the public welfare, construction was also done for public welfare, ठीक है। A famous dam was constructed on river Tungabhadra, पता करके आना है कौन सा डैम कंस्ट्रक्ट हुआ था, A famous dam was constructed on river Tungabhadra, which controlled the irrigation of Vijayanagar Empire. Controlled the irrigation of Vijayanagar Empire. ठीक है। कृष्णदेव राय also rebuilt lots of टेम्पल्स, कृष्णदेव राय ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड या रीबिल्ड लॉट्स ऑफ टेम्पल्स, ठीक है, रिपेयर्ड लॉट्स ऑफ टेम्पल, जो टूट गए आक्रमणकारी आए तोड़े, उन सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण किसने कराया, कृष्णदेव राय ने, आगे लिखना ठीक है। अच्छा इसमें पॉइंट कितना हुआ है थोड़ा सा देखना, विजय इसमें सिर्फ कृष्णदेव राय में पॉइंट्स कितने हुए हैं, दो पेज 20 के करीब होगा पॉइंट, ठीक है, तो 20 के करीब पॉइंट इसलिए बनाए क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आपको ये स्किप नहीं करना है, आगे लिखना, मोस्ट ऑफ द टेंपल्स ऑफ सदर्न इंडिया स्पेशली इन कर्नाटका, मोस्ट ऑफ द टेंपल्स स्पेशली इन सदर्न इंडिया स्पेशली इन कर्नाटका वॉज constructed and restored, was constructed and restored by किसके द्वारा, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, ठीक है। कृष्णदेव राय में थोड़ा सा और हम लोग इनको लिखेंगे, he also focused on making his military superior, he also focused on making his military superior, clear yahan tak ki baat, theek hai, the military power in the south became strongest during his period, the military power in south became strongest during his period, ठीक है।
He also focused on the betterment of navy. अब ये तो पता चल रहा होगा नेवी को क्यों बेटर बनाना था, क्योंकि पोर्तुगीज आए थे तो अब इनको पता चल गया कि नहीं भैया अगर हम नेवी अपनी स्ट्रांग बनाएंगे तो आने वाले टाइम में हम एक तो सेफ भी रहेंगे और दूसरा हमारा बिजनेस भी अच्छा रहेगा। लिखना ही ऑल्सो डेवलप्ड नेवी, ठीक है, हैविंग टू पॉइंट्स इन द माइंड, हैविंग टू पॉइंट्स इन द माइंड फॉर बेटर प्रोटेक्शन, फॉर बेटर प्रोटेक्शन एंड एक तो हो गया कि आपको प्रोटेक्ट करना है, दूसरा ट्रेडिंग के लिए एंड फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, एक पॉइंट इसमें थोड़ा सा लिख लेना, पोएट्स फ्रॉम ऑल द डिफरेंट कल्चर एंड पोएट्स फ्रॉम ऑल द डिफरेंट कल्चर पोएट फ्रॉम ऑल द डिफरेंट कल्चर and language served in the court of Krishnadev Rai, served in the court of Krishnadev Rai as he was a great admirer, as he was a great admirer of लिंग्विस्टिक अप्रोच, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा, विभिन्न तरीके की भाषाएं, ऑफ लिंग्विस्टिक अप्रोच। देखो एक फिगर है यहां पे, ये फिगर, इस फिगर में देख पा रहे होगे कि कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, दिख रहा है ना इंस्क्रिप्शन टाइप का, तो इसी टाइप का इंस्क्रिप्शन हमको देखने को मिला है कहां पे, ऑन द वॉल्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। आगे लिखेंगे थोड़ा सा, तो इसमें और भी हम लोग लिख सकते थे, लेकिन अच्छा दो तीन पॉइंट इसमें और हम लोग बढ़ा देते हैं। लिखो द लिटरेसी वर्क विच वॉज डेवलप्ड बाय कृष्णदेव राय, द लिटरेसी वर्क विच वॉज डेवलप्ड बाय कृष्णदेव राय is amongst the greatest by any other king। किसी राजा का इतना अच्छा पोएम, पोएट की तरह पोएम लिखना, स्कॉलर की तरह बड़े बड़े वेदों को लिखना तो नहीं, लेकिन अलग अलग तरीके से रिलीजन सेक्ट्स को लिखना, हम ये देख पा रहे हैं कि राजा तो भाई वो छोड़ ही दो कितने ज़बरदस्त थे, अगर वो अच्छे राजा ना होते या अगर वो राजा भी नहीं होते तो वो शायद उस पीरियड के सबसे बड़े स्कॉलर होते, है ना, तो वो सबसे बड़े स्कॉलर होते। तो हम ये देख पा रहे हैं कि कृष्णदेव राय अपने इस, अब इन्हीं सारे कारण के, देखो आपने इरिगेशन मजबूत किया, रायचूर दोब आपने जीता जो कि वहां पर की मिट्टी बहुत ज्यादा अच्छी थी एग्रीकल्चर के लिए, तो सीधी सी बात है आपने अच्छा एग्रीकल्चर किया, आपके पास आपके फूड स्टोरेज में बहुत अच्छा खासा आपके पास अन्न जमा हो गया है, भूखमरी कभी होगी नहीं प्रजा में, प्रजा का पेट भरा रहेगा तो प्रजा आपसे विद्रोह नहीं करेगी, इसके साथ साथ इकोनॉमी अच्छा था। दूसरी बात, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के बाद इन्होंने सबसे पहले देखा कि हमें पोर्तुगीज से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इनसे हमको ट्रेड अपना डेवलप करना है। तीसरी बात, मंदिरों का निर्माण वगैरह कराना, जिसके कारण अलग अलग हम लोग आगे नेक्स्ट वाले जब नेक्स्ट लेक्चर होगी तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स आए हैं, इब्न बतूता हो गया, उसके साथ साथ अब्दुल रजाक हो गया, है ना, नूनियज़ हो गया, बारबोसा हो गया, ये सारे ज़्यादातर तुमको पोर्तुगीज़ मोरक्कन और अरेबियन ट्रैवलर्स जो आए हैं विजयनगर किंगडम, वो जब विजयनगर किंगडम आए तो उन्हें लगा कि हम कोई दूसरे ही दुनिया में पहुंच गए। अब सऊदी अरेबिया वाले उस ज़माने में पुर्तगाल में वैसा कोई बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग वगैरह का निर्माण वगैरह नहीं, हाँ रेनासा का पीरियड शुरू हो गया था, अच्छा इससे पहले रेनासा का पीरियड शुरू हो चुका है, हम लोग पढ़े थे ना कि 1400s के टाइम में यूरोप में क्या हो रहा था, रेनासा यानी कि पुनर्जागरण, लोग नए नए सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किए, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे 1498 वाला रिवोल्ट, 1498 का टॉपिक, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जब वहां पे लोग नई नई चीजों को सीख रहे थे तो इंडिया में लोग नई चीजों को सीख करके भूलते जा रहे थे, अब
और इस तरह जब वहां पर के ट्रैवलर इंडिया में आए तो उन्हें पता ही नहीं चला कि भाई कहाँ आ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे कोई दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो। इतने ज़बरदस्त मंदिर, इतना खूबसूरत आर्किटेक्ट, उस समय अंडर पाइप कंस्ट्रक्शन था और फाउंटेन का, अभी जैसा फाउंटेन देखते हो ना वैसा कंस्ट्रक्शन किया गया था, और वो फाउंटेन वर्क होता था बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी का, बस यूज होता था फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल और वो फाउंटेन वगैरह। तो बाहर के लोग को पता ही नहीं था भाई क्या ये सब चीज, इतना ज्यादा कौन खुश हो गया भाई के जब हाँ जाते उस समय, तो भाई एकदम, तभी तो इतना बड़ा बड़ा फिर उन लोगों ने बिल्कुल बुक लिख डाला एकदम कि भाई ऐसा तो कभी कुछ देखा ही नहीं। और इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि कृष्णदेव राय विजयनगर किंगडम के, अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग रहे हैं। टॉपिक डालो हम्पी, HAMPI, ये आपका टॉपिक है जो आपको करंट अफेयर के बेस्ड के साथ साथ पढ़ना है, हम्पी। क्या कह रहे हो? टैंक कमेटी, ऐसा कमेटी हमको देखने को मिलेगा आगे, लेकिन हाँ टैंक कमेटी पर्टिकुलरली चोला में ही पाया गया है, ठीक है। हम्पी को अच्छे से, क्या कह रहे हो? हाँ, इसमें डैम आ गया है, ठीक है। हम्पी को अच्छे से पढ़ना क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और एक इसमें हम्पी से रिलेटेड कम से कम मुझे 10 पॉइंट चाहिए। नेक्स्ट क्लास में किसी से भी पूछूंगा कि कुछ बताओ हम्पी के बारे में, ठीक है। रिलीजियसली अगर देखोगे तो हम्पी के पास ही किष्किंधा हुआ करता था, जहाँ पे इसको बर्थ प्लेस माना गया है बजरंगबली का, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? समझ में आ गया सबको? आज के टॉपिक को अपन यहीं पे रेस्ट करेंगे, अगले टॉपिक में विजयनगर एम्पायर हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग चलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कौन से सेगमेंट में, द एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया 1498। क्लियर है यहाँ तक की बातें? समझ में आ गया? चलो, ये शेयर किधर से करना है? इधर से, अच्छा हाँ, स्कैन करते हो क्या? नेट ऑफ है क्या? कर लो कोई स्कैन, तो ये फिर तुम लोग पीडीएफ अपना आराम से बना करके रख लोगे फिर। अच्छा, लिखते हो? क्या लिखोगे इसमें पहले ये बताओ, इसमें क्या? हाँ, मेरे क्लास का भी एक ही फंड है, आप क्लासरूम क्लास अटेंड कर रहे हो, वेल एंड गुड। आप देखो जितने भी जिनके पास नोट्स होगा, जिन्होंने पहले क्लास से नोट्स अटेंड किया होगा, उनके पास सारा इस बार कम से कम 30 क्वेश्चन डायरेक्ट नोट से दिख रहे होंगे। वो तो पता नहीं पॉलिटी का क्वेश्चन आया नहीं, अगली बार आप लोग मान के चलो कि 10-15 जो भी क्वेश्चन है पॉलिटी से फिर कंफर्म है। लेकिन हाँ, जो एडिशनल टॉपिक्स था उसमें से टॉपिक हम लोग को देखने को मिला है, ठीक है। इसीलिए मैं अभी से ही कह रहा हूँ, आप लोग एक सेपरेट कॉपी बनाओ, 2-3 होमवर्क मिल चुका है आज का, है ना। अब वो हम्पी वाले को उसमें करना है, ऐसे सबको मत कर लेना, मैं जो बताता रहूँगा उसको इसमें कर लेना। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है, सेव कर देता हूँ इसे। सेव एज करना है क्या? टॉपिक हमारा ये कौन सा है? अच्छा, इससे पहले विजयनगर हुआ है क्या? मैं कृष्णदेव राय के नाम से बना देता हूँ ये। अरे इसमें सही है, वो ऑटो सिस्टम वाला नहीं है। अभी और कौन सी टॉपिक होने वाली है तुम लोगों की? फिजिक्स, टेस्ट वगैरह हुआ है अभी एक भी बार कोई भी टॉपिक? ठीक है, अच्छा मंथली अगर टेस्ट होगा तो उसमें ये दोनों टॉपिक, और पॉलिटी मैं अभी स्टार्ट नहीं करूंगा, हाँ ज्योग्राफी में स्टार्ट कर दूंगा। पॉलिटी हमने अच्छे से पढ़ी, पॉलिटी कौन कौन नहीं पढ़ा है यहाँ पे? अच्छा एक बस पढ़े हो नीरज? अरे अनुपम झूठ मत बोलो, पढ़े हो? क्या कह रहे हो? एक दो क्लास छूटा है, एक दो क्लास पढ़े हो? पढ़े ही हो एक दो क्लास, या दिक्कत वाली बात है फिर तो। ये हो गया ना सारा, चलो अभी किधर जाने का? एग्जिट, अच्छा वो रिकॉर्ड।